सकते हैं। जी बिल्कुल। सभी साथियों को सलाम। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड एज यूजुअल एनएपीएम को बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसी एक स्पेस बनाई है जहाँ पे आके हम ऐसी पॉलिटिकल बातें कर सके और एक दूसरे से और समझ बढ़ा सके बात करके। मैंने एनएपीएम के लिए काफी टॉक्स ऐसे पैनल्स मॉडरेट किए हैं और जनरली जब मैं शुरू करती हूँ तो एक बहुत उत्साह के साथ हम चर्चा शुरू करते हैं, पर आज वो माहौल नहीं है एंड मैं बहुत उदास हूँ और मन में आक्रोश भरा हुआ है। आज हम बिल्किस बानो के जो 20 साल का उनका स्ट्रगल रहा है हम उसको लेके आज बात करने के लिए सब साथ आए हैं। 2002 में गुजरात में जो हुआ था वो तो सभी जानते हैं। जो कम्युनल वायलेंस जो एक कार्नेज हुआ था गुजरात में उसके 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स थे आपके। एक था कि जो एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ था वो स्टेट के सपोर्ट के साथ हुआ था। दूसरा, जो मुस्लिम औरतों के खिलाफ जो हिंसा हुई थी। और तीसरा, जो एक ये पोलराइजेशन है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में उसको बढ़ाने के लिए किया गया था। जो 2002 में उन्होंने अपना एजेंडा शुरू किया था हिंदू राष्ट्र का, उसी के वजह से वो 2014 में पावर में आए और तब से लेके आज तक हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। बिल्किस का ये जो रेप जजमेंट जो था जिसमें सबको कन्विक्ट किया गया था 2008 का, उसका जो इन लोग ने जो एक ये जो औरतों के खिलाफ जो हिंसा हो ही रही है पिछले साल से ज्यादा ज्यादातर हम देख रहे हैं, ये आपका ऑनलाइन ऑप्शनिंग हुआ, फिर हिजाब का जो एक मुद्दा उठा, साहब का जाफरी साहब की वाइफ का जो PIL था वो कोर्ट ने रिजेक्ट किया, तीस्ता को जेल में भरा गया और अब ये 15 अगस्त को जब हम अमृत काल मना रहे थे, 75 वर्ष मना रहे थे, उस दिन बिल्किस बानो के जो गैंग रेपिस्ट जो कन्विक्ट हो चुके थे बाय बोथ कोर्ट्स उनको रिहा कर दिया गया है। मेरे सिर्फ मैं ही नहीं, आई थिंक हम सब बहुत शॉक में हैं। बहुत सारे एक्टिविस्ट सर्कल से स्टेटमेंट्स आए हैं। मैं 10 साल से एक्टिविज्म में हूँ और कभी कभार मुझे लगता है कि इन स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा अभी तक फिलहाल, लेकिन हम लोग 8,000 लोगों ने वो डॉक्यूमेंट साइन कर चुका है, हमने CGI को भी वो भेज चुका है, पर क्या ये सत्ता में जो लोग हैं, क्या ये कोर्ट जो है वो क्या हमारी बात सुनेगी? क्या हम कैन वी अफोर्ड टू बी डिस्पोंडेंट डिसअपॉइंटेड एंड गिव अप, या हमको एक नए तरीके से फिर से सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को हम ऐसे ही जाने नहीं दे जा सकते हैं। इसको चैलेंज करना इज रियली इम्पोर्टेंट और इसके बहुत सारे मतलब ये किस तरीके का एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, स्पेशली यू नो इन केसेस ऑफ व्हेन वुमेन आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, व्हाट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट इट हैज सेट पॉलिटिकली सोशली एंड व्हेन इट कम्स टू यू नो लीगल जस्टिस, उसी को आज हम समझने आए हैं। हमारे साथ आज 5 वक्ता हैं। खैरुनिसा गुजरात से जो बेबाक कलेक्टिव से जुड़ी हुई है, रुबीना है यूपी से जो बेबाक कलेक्टिव से जुड़ी हुई है, गुनीत कौर वो भी मूवमेंट स्पेसेस से और एक लीगल रिसर्चर हैं, एंड नूर महविश यंग एक्टिविस्ट फ्रॉम कैलकटा,
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस वी कैन हियर यू अनुराधा, गो अहेड। वी कैन हियर यू। मुझे लगता है अनुराधा जी डिस्कनेक्ट हो गई। 1 मिनट रुक जाते हैं, शायद कभी कभी वो वापस रिकनेक्ट हो जाता है। जी एक ज्वाइन। यस, वो अभी जुड़ी है। सॉरी, आज मेरा इंटरनेट बहुत ही बुरा है। और पांचवी वक्ता है सबिका, जो पोएट हैं, एक्टिविस्ट हैं, और हम सब उनकी पोइट्री से बहुत प्यार करते हैं और उनसे भी। आज मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि सच्ची में आई हैव रन आउट ऑफ वर्ड्स। एंड मुझे आजकल लगता है आउटरेज और स्टेटमेंट से पता नहीं क्या ही होगा। तो आज जो हमारे वक्ता हैं, आई होप उनसे बात करके ये चर्चा जैसे थोड़ी खुलती जाएगी, तो सबके स्पिरिट्स थोड़े हाई होंगे एंड हम समझ सकेंगे कि सत्ता को कैसे हम चुनौती दे सके, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, और हम बिल्किस को उसके स्ट्रगल में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं खैरुनिसा को बुलाना चाहूँगी, जो बेबाक कलेक्टिव से जुड़ी हुई है और गुजरात में पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करती हैं। जो 2002 में गुजरात में पोग्रम हुआ था, कार्नेज जो हुआ था, खैरुनिसा हैज सर्वाइव दैट एंड इट हैज गिवन हर द स्ट्रेंथ एंड to after that you know to get into political organizing. Khairunisa, bahut bahut shukriya aaj hamare sath judne ke liye. Ab aap apni baat rakh sakte hain. Inqilab zindabad sathiyo, mera aaj sabse pehla salam main Bilkis Bano ka jo sanghash hai 20 saal ka, main unko संघर्ष को सलाम करती हूँ। और उनके साथ आज जो अन्याय हुआ है उसको लड़ने के लिए आज हम उनके साथ एकजुटता के लिए खड़े हैं, और हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे क्या अनुराधा ने हम अपनी बात में आगे जैसे कहा कि मैं जिस संगठन से जुड़ी हूँ परवाज और बेबाक कलेक्टिव के साथ, जो खास करके मुस्लिम महिलाओं के साथ काम करता है, उनके अधिकारों के लिए काम करता है। और आज के दिन ये शब्द जितना भी सोचो अधिकार, वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जैसे उसको लिमिट किया जा रहा है, हर जगह से कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा है। जब ये न्यूज आया और ये पता चला कि इस तरह जो बिल्किस बानो का संघर्ष है, कि हम सभी जानते हैं कि 2002 में जो जनसंहार हुआ, उसमें जब बिल्किस बानो और उसके परिवार के लोगों को मार दिया गया और उनके साथ जो गैंग रेप हुआ और उसकी पूरी लड़ाई है, और उनकी 3 साल की बच्ची को उसी टाइम मार दिया गया था पटक के, और एक बिल्किस बानो ही उनके परिवार में बची थी जिन्होंने इस संघर्ष को लड़ने के लिए वो तैयार हुई, और जब वो एकदम 19 साल की थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब मैं 24 साल की थी, और हम लोग भी इसी दिक्कत में थे कि हम भी 28 फरवरी को हमारा पूरा घर जला दिया था, और शाम को ही 6 बजे हमें अपना पूरा परिवार के साथ पूरा घर छोड़ना पड़ा था, और 6 घंटे हमने अपने पड़ोसियों के घर और लोगों के घर पनाह ली थी। वो 6 घंटे का जो स्ट्रगल था, वो ये न्यूज़ सुनने के बाद वापस याद आने लग गया। और
ऐसे लगा कि जैसे किसी ने हमारे को घूंट दिया है, जैसे किसी ने सांस रोक दी है कि ये क्या हो गया, जैसे कि पूरा फ्लैशबैक हो गया, सारी चीजें याद आने लग गई कि आज 20 साल के बाद भी आपको कहाँ पर लाके मतलब खड़ा कर दिया है। तो बिल्किस बानो के लिए ये कितना पेनफुल होगा वो महसूस ही किया जा सकता है, और जिस तरह का उनके गैंग रेप की जो बात है हमें बहुत अच्छे से याद है कि हम जब अपने घर के लिए हम अपने घर के बाहर खड़े थे, हम कहीं छुपे हुए थे, तब हमें भी यही सेम धमकियां मिल रही थी कि हम यहाँ पर, क्योंकि उसी टाइम मेरे भाई की शादी हुई थी और हमें ये थ्रेट्स आ रहे थे कि यहाँ पे सुहागरात तो हम ही बनाएंगे। तो वो चीजें वापस याद आने लग गई कि ये कितना इसके लिए जो है उसको ये शब्दों में ढालना या उसको एक लाइन में कह देना शायद आसान नहीं है। तो जैसे कि ये सब चीजें याद आती गई, वैसे ही बिल्किस बानो का स्ट्रगल भी याद आता गया, और 20 साल के बाद जब हम मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि हम वहीं के वहीं हैं या बहुत ज्यादा पीछे हो गए। हमने क्या सोचा था कि ये 2002 के बारे में किसको पता था कि एक ये आयोजित पूर्वक एक ये जो जनसंहार होगा और उसमें कितने मुस्लिम परिवार मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाएगा, और एकाएक जब ये जनसंहार हुआ और इसका असर आप देखेंगे कि यहीं से एक विकास के मॉडल की शुरुआत होती है ना। वहाँ पे आप इस तरह का जनसंहार किया और फिर आप एकदम पूरे सत्ता में आ जाते हैं। तो ये चीज है कि गुजरात इसके इस तरह के विकास के रोल मॉडल की बात करता है जो हिंसा पे आधारित है, जो वंचितों के अधिकारों को दबाने के ऊपर आधारित है, उस पर ही चढ़ाई करके वो आज अपने सत्ता में आया है। और आज 2002 में वो राज्य सरकार में थे, आज वो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, और जो ये जजमेंट आया है वो दोनों किसी के लिए शायद वो नया नहीं होगा कि वो सरकार उससे मतलब परिचित ही होगी कि ये 11 कैदियों को जो छोड़ा है उन्होंने, तो वो उनको ऐसा नहीं है कि एकाएक आ गया, क्योंकि एक जगह हम 15 अगस्त को बात कर रहे हैं नारी सम्मान की, उसकी डिग्निटी की, और दूसरी तरफ इस तरह का जब फैसला आता है तो वो इस देश भर की महिलाओं को क्या संदेश देता है, उन महिलाओं को क्या संदेश देता है जो महिलाएं इस इसमें पीड़ित है, जो ये गैंग रेप में है या और रेप केसेस में जो अपनी लड़ाई लड़ रही है, उनको ये क्या संदेश देते हैं। तो ये बहुत ही मतलब दहला देने वाला, मतलब जैसे कि आपको मतलब कमजोर बनाने के लिए इस तरह के फैसले सुनाए जाते हैं, कि आपको सिखाया जा रहा है कि ये जो लड़ाई जो बिल्किस बानो ने जीती थी वो लड़ाई को वापस कहीं ना कहीं उस जीत को उस न्याय को उस सच को कहीं ना कहीं ये कमजोर बनाने वाली बात है। दूसरा ये है कि जब से 2002 के बाद हमने पूरे देश भर में ये देखा है कि किस किस तरह के अलग अलग तरह के दंगे चलते रहे हैं, अलग अलग राज्यों में हुए हैं, और किस तरह से दंगों का पूरा पैटर्न है वो बदला है। पहले हमने बहुत सारे दंगे ऐसे देखे जहाँ पर समूह में इस तरह के हिंसा होती थी, जहाँ एक साथ लोगों को मारा जाता था, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था, वो दंगों का पूरा पैटर्न है वो पूरा के पूरा इस 20 साल में बदल चुका है। क्योंकि आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर ऐसा कहे कि इस 20 साल में कोई दंगे नहीं हुए और गुजरात में, तो ये मानने में सही नहीं है, क्योंकि छोट मोट दंगों के जो प्रकार है वो बदलते रहे हैं, वो कभी गौरक्षक के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, इस तरह के जो आए हैं मतलब किस्से, उनमें हमने काफी फैक्ट फाइंडिंग की है, उनकी रिपोर्ट बाहर डाली है, और लगातार उनका भी ये चीजें चलती रही है। तो एक तो कोई जो डराने की पूरी राजनीति है वो पूरी तरह से
बन चुकी है, सभी डरे हुए हैं, और डर उस बात का है कि सच बोलने का, यानी कि हम सच नहीं बोल सकते, हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप सच बोलोगे तो क्या होगा, आपको जेल में डाल देंगे, यही ना, यही तो तरीका चल रहा है, नए नए कानून लाके, नए नए को लाकर, तो ये बहुत अपने आप में, मतलब अपने आप में कमजोर करने वाली ये बात है। और दूसरी बात ये भी देखा जाए कि पूरा के पूरा अब एक तरफ ये 22 अगस्त को ट्रिपल तलाक को लेकर पूरा 5 साल पूरा होने वाला है उसके जजमेंट को, कि ट्रिपल तलाक बैन किया गया, फिर उसको भी अपराधीकरण कर दिया गया। तो जब वो 5 साल पहले उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं के हकों की रक्षा करेंगे, हम उनके हितेशी है, तो भाई ये कौन सा हित है, हम पूछना चाहते कि ये कौन सा हित है, मतलब के आप कितना कभी लहू जिहाद के नाम पर, कभी गौरक्षक के नाम पर, कभी NRCCA के नाम पर, और अब इस तरह के जो फैसले हैं, जिस तरह की लंबी लड़ाई लड़ी है, उसके नाम पर हमें कितना डराया जाएगा और हमें कितना दबाया जाएगा, और कब तक दबाया जाएगा? क्या ये सत्ता में रहने के लिए आप एक विमेन, एक मुस्लिम विमेन, एक गरीब विमेन, उनका सहारा लेंगे? आप अपने जो सत्ता में आए थे तो आपके जो विकास के दावे थे उन पर आप बात करिए, उन चीजों को लाइए। आप हमेशा ही ये ध्रुवीकरण की राजनीति को करने के लिए, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन आ रहे हैं, इस साल इलेक्शन है, और अभी एकाएक 15 अगस्त के दिन आप इस तरह का चीज दे देते तो क्या मैसेज जाता है? तो ये हमें समझना होगा कि पूरा हर चीज तो राजनीति से जुड़ गई है, जैसे कि ऐसा ना कि कानून में, कानून का जो फ्रेमवर्क में, उसमें पीड़िता को किसी भी तरह से आप फ्रेम कर दीजिए। कानून हमारे लिए कि हमारे लिए कानून है कि हम कानून के लिए, तो ये भी तय करना पड़ेगा कि कानून इंसानों के लिए बने हुए, इंसान कानून के लिए नहीं बने हुए। तो वो आप कोई भी पॉलिसी उठा के दे दो कि ये 92 की पॉलिसी की क्षमा नीति के अंतर्गत ये चीजें दी गई है, और ये 2008 में फैसला आया था, और गुजरात सरकार ने इसको 2014 में एक्सेप्ट किया है। तो ये जो पेपर की राजनीति करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो बिल्किस बानो के साथ हुआ है, जो उनका साथ अन्याय हुआ है, अभी जो उन्होंने आज 2008 के बाद जब उनका स्टेटमेंट आया था, जब उनकी जीत हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मेरा अकेली का संघर्ष नहीं है, ये उन महिलाओं का संघर्ष है जो रेप विक्टिम है और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हौसला देने का संघर्ष है, और ये महिलाओं के सम्मान का संघर्ष है, वो उनकी अकेले की जीत नहीं है, वो उन महिलाओं की जीत है जो हिंसा से पीड़ित है, तो ये सत्य की जीत है। और वो चीज उन्होंने कहा कि मुझे जो न्याय मिला है उससे उनका लोकतंत्र और न्याय प्रणाली में उनका विश्वास बढ़ा है। तो आज उनके वो क्या कहे, 8 साल के बाद एक न्याय प्रणाली ने अलग ये 11 लोगों को रिहा कर दिया, तो अब हम क्या सोचे कि क्या हमारा विश्वास उठ जाए? और आप किन लोगों को रिहा कर रहे हो, कैसे लोगों को रिहा कर रहे हो? महिला जो इतना पूरा वर्ग है, 50% वोटर्स है, उनके लिए आप क्या मैसेज दे रहे हो? या एक तरफ तो आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये तो आज के दिन कारगर हो गया कि बेटी बचाओ, क्योंकि जब ऐसे लोग जब बाहर समाज में आएंगे तो अपने परिवार, आसपास और देश के लिए कितने कारगर है, वो क्या मतलब बातें करेंगे, क्या अपनी कहानियां वो सुनाएंगे कि उन्होंने क्या किया था, और उन्होंने वो आसपास वालों को क्या मैसेज देंगे? और उनके जो संस्कार अच्छे हो गए हैं, जब एक MLA अपने बयान में ऐसे कहते हैं, तो ये संस्कार के जो मापदंड है वो कौन तय कर रहा है, उसका अधिकार किसको दिया गया है कि इनके ये है कि ये सुरक्षा ये सही हो गए, इनका जो चरित्र है वो देखकर इन्हें रिहा किया गया है, तो ये कौन तय करेगा, इसके मापदंड किसके हाथ में? तो ऐसे तो बहुत लोग हैं। तो आप जब एक जना गया, वो कहावत है ना कि
एक और एक दो होता है और एक और एक ग्यारह भी होता है। तो जब एक जना अपनी रिहाई के लिए गया तो आपने ग्यारह लोगों को रिहा किया, जो कि बारह दो लोग दोषी थे, उसमें से एक की डेथ हो चुकी है। तो क्या बिल्किस बानो इस देश की नागरिक पहले है, बाद में वो इंसान है और फिर उसकी महिला पहचान है। तो ये पहचान का क्या, इस पहचान के लिए वो और कितना लड़ना चाहिए? बिल्किस बानो की क्या सिर्फ जिंदगी या बिल्किस बानो जैसे और लोग हैं उनकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष के लिए है, सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ते रहने के लिए है? न्याय की जो उम्मीद है, न्याय में जो विश्वास है, लोकतंत्र में वो विश्वास है, उसको स्थिर क्यों किया नहीं जा रहा? उसको स्थिर किया जाना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और जब ये असुरक्षित महसूस करती है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? वो ग्यारह लोग को रिहा करने पर आप अगर एक विक्टिम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? क्या आपने वो ग्यारह लोग को रिहा करके मेरी असुरक्षा बढ़ा दी और मेरे जैसे और लोगों की भी असुरक्षा बढ़ा दी? तो ये कैसे चलेगा? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। जो एक सोच है, हमें पता है कि ये जो एक राष्ट्र की कल्पना की ये जो बात करते हैं उसमें ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि महिलाओं को क्या यही न्याय मिलेगा कि पहले आपने एक कोर्ट न्याय देगी, एक कोर्ट रिहा मतलब दोषियों को रिहा कर देगी और फिर इस तरह से महिलाओं की जो इतने सालों का संघर्ष है, जो आज बराबरी की बात कर रहे हैं, जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो समानता की बात कर रहे हैं, जो अमन और शांति की बात कर रहे हैं, उन महिलाओं की भागीदारी, उनके हिस्सेदारी, उनके न्याय, उनके डिग्निटी, उसको स्थिर और उनको सुनिश्चित कौन करेगा? तो ये पूरा जो एक फैसला आया है वो महिलाओं की असुरक्षा को बढ़ाता है, उसकी डिग्निटी है उस पे कमजोर करता है। तो नारी शक्ति सिर्फ शब्द है, ये सिर्फ कहने वालों के लिए जो अपने भाषणों में देते हैं, पर नारी शक्ति की जो बात है, जो शक्ति जो है वो डिग्निटी से आती है। और जहां महिलाओं की डिग्निटी नहीं है, मुझे लगता है उस देश का विकास बड़ा ही मुश्किल है। और ये फैसला सिर्फ हम नहीं देख रहे, हम यहाँ पर है वो नहीं देख रहे, ये शहर नहीं देख रहा, ये स्टेट नहीं देख रहा, ये नेशन नहीं देख रहा, ये दुनिया देख रही है। और हम विश्व गुरु बनने की ओर है, तो हम किस तरह के विश्व गुरु बनना चाहते हैं ये भी हमें तय करना पड़ेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस तरह के फैसले जब आते हैं तो हम अपना प्रेशर कैसे बनना है और हम कैसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ महिला को बराबरी, सुरक्षा और अधिकार मिले, या फिर महिलाओं को कमजोर, गरीब और उस एक फ्रेमवर्क में रखा जाए जहाँ पर सिर्फ उसका एक आइडेंटिटी, एक जाति, एक धर्म के नाम पर उसके साथ अन्याय हो। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और उस तरह से जीते हैं और हमारा संविधान है वो हमें पूरी तरह से जीवन जीने का अधिकार देता है, डरे बिना जीने का अधिकार देता है। तो हम इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहेंगे कि ये जो रिहाई है उसे तुरंत रद्द किया जाए और ये जो पुनः विचार की बात की जा रही है वो कितनी अपने आप में गलत है। इतना मतलब जघन्य अपराध किया है, उसके लिए क्या पुनः विचार की जरूरत है? जो है आगे लोगों ने उसका 2002 से 2008 तक उसे सहन किया है, उसके साथ और आज 14 साल को गिनते हैं, तो आज 20 साल के बाद आपको पुनः विचार की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए सबसे पहले। और तुरंत ये जो रिहाई है उसे रद्द करना चाहिए और बिल्किस बानो की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। और नारी शक्ति की जो बात करते हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उसको सुनिश्चित करना चाहिए और महिलाओं की जो डिग्निटी है उसको कायम रखने के लिए मुझे लगता है इस तरह के प्रयासों को हम करते रहेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद खैरुन्निसा। आपने जो बात कही वो सही है। मुझे लगता
लगता है कि दुनिया तो देख ही रही है इस बात को. मतलब अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम थोड़ा लॉ की तरफ जाएंगे. ये जो है दैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन स्पेशली वॉर कम्युनल वायलेंस के तौर पे जब हम देखते हैं तो ये कोई पहली बार हम नहीं देख रहे हैं. लाइक वॉर्स आर फॉट ऑन वुमेन्स बॉडीज. उनके शरीरों पे जब वॉर होगा तो औरतों के खिलाफ हिंसा होके ही रहेगा. ये हमने पार्टीशन के टाइम में देखा है. हम ग्लोबली अगर देखें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका या ग्वाटेमाला, कॉन्गो, रवांडा, सब जगह एक ही कहानी है. वॉर टाइम रेप्स और सेक्सुअल वायलेंस हर एक जंग में हमने देखा है. और ये जो एक वॉर या जो एनिमिटी का जो ब्रंट होता है बाय मेन, लाइक जो आदमी लोग करते हैं उसका उसको भुगतना पड़ता है औरतों को. वो आप पुलिस स्टेशन में कुछ हो रहा हो, रायट्स में हो रहा हो, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में हो रहा हो या ऐसे सिचुएशंस में हो रहा हो. इंडिपेंडेंट इंडिया में भी ऐसे हमने बहुत सारे कम्युनल टेंशन्स देखे हैं. 1984 में जो मैसेकर हुआ था सिख कम्युनिटी का, लाइक ओवर आई थिंक 4,000 or 5,000 पीपल वर मैसेकर. 92-93 में हमने देखा था मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्या वायलेंस हुआ था. वो भोपाल की बात करो, मुंबई की बात करो या सूरत की बात करो, रेगुलरली हमारे न्यूज में आता रहता है. जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो उड़ीसा में हो, मध्य प्रदेश में हो, झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, वहां पे अटैक हो रहा है, रेप हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, इतना हिंसा होता है, चर्चेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. लेकिन जो बिल्किस बानो का जजमेंट है वो एटलीस्ट वुमेन्स मूवमेंट और के हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इट इज द फर्स्ट नोन कन्विक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस ऑन वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया. एंड किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कन्विक्शन कभी आएगा, हम उस दिन को देखेंगे. लेकिन वो दिन आया. और जब वो दिन आया था तब हमने ये नहीं सोचा था कि कुछ सालों बाद ये होने वाला है. सो आज हमारे साथ जो हमारी दूसरी वक्ता है वो है गुनीत कौर. गुनीत इज ऑल्सो फ्रॉम मूवमेंट स्पेसेस एंड एन एक्सेलेंट लीगल रिसर्चर. एंड आज गुनीत आएंगी, वो अपनी बात रखेंगी. थोड़ा लॉ को लेके भी शायद वो अपना नजरिया शेयर करेंगी. सो गुनीत. शुक्रिया अनुराधा. मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में बात करूं जितना हो सके, पर काफ़ी स्लीप डिप्राइव्ड हूं तो हो सकता है कि बीच बीच में ना हो पाए मेरे से. एट द आउटसेट मैं एक बात मैं इस चीज़ को एक आउटसाइडर के नज़रिए से देख रही हूं. मेरे लिए जैसा कि खैरन सर जी ने कहा कि बिल्किस जी का जो ट्रॉमा है उसको तो समझना शायद सबके लिए मुश्किल है, पर इस वक्त मोस्ट मुस्लिम महिलाएं पिछले 7-8 वर्ष से जब से ये सरकार आई है और स्पेशली इस साल के शुरुआत से एक कंटिन्यूस ट्रॉमा से गुजर रही हैं. बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है, तो मेरे लिए वो सब एक आउटसाइडर की ओर से है. ऑब्वियसली एज एन ally इन सॉलिडारिटी हूँ मैं सबके साथ, पर अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज मुझे मैं क्षमा मांगती हूँ उसके लिए पहले से. मुझे मेरी इंट्रोडक्शन में लिखा था कि मैं लॉयर हूँ और लीगल रिसर्चर हूँ. लॉयर मैं एक पिछले अपनी जिंदगी में थी, शायद आज से 4-5 साल पहले, एटलीस्ट इंडिया के कोर्ट्स में. पर पंजाब के केसेस करते करते शायद कहीं हिम्मत हार गई, तो इसलिए मेरी बहुत मैं बहुत इंस्पायर भी होती हूँ वो बिल्किस जी और बहुत सारी विक्टिम सर्वाइवर्स से, और एज वेल एज जितने वकील हैं जो ये केस लड़ते हैं कोर्ट्स में. डिस्पाइट जितना स्ट्रगल है, जितना हर स्टेज पे जो स्ट्रगल आता है इन केसेस में, तो मैं दोनों परस्पेक्टिव से अपनी बात रखूंगी. एज अ लॉयर जहाँ तक मेरी समझ है केस के फैक्ट्स को लेके, तो
क्लियरली जो रिमिशन है वो जो दिया गया है इस केस में वो पूरा का पूरा आर्बिट्ररी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये शुरू होता है जब ये लोग हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट ने बोला कि क्योंकि केस बंबई में डिसाइड हुआ था, क्योंकि केस को गुजरात से बाहर शिफ्ट किया गया था, तो ये गुजरात की पॉलिसी के हिसाब से नहीं डिसाइड होगा जो 92 की पॉलिसी है। तो सुप्रीम कोर्ट उसे नज़रअंदाज करता है, उस बात को नहीं देखता है कि केस की हिस्ट्री क्या है, उसके केस में के केस के कितना स्ट्रगल लगा है, जो सुप्रीम कोर्ट के खुद के पुराने ऑर्डर्स में रिकॉर्डेड है कि कितना केस का हिस्ट्री बुरा रहा है, कैसे स्टेट ने हर स्टेप पे बिलकिस्टी को इंटिमिडेट करने की कोशिश की, थ्रेटन करने की कोशिश की, एविडेंस गायब करने की कोशिश की, जस्टिस को एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश की। और इसीलिए फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ही ट्रायल को शिफ्ट किया था बम्बई। तो कोर्ट को ये बोलना कि रिमिशन वापस गुजरात सरकार डिसाइड करेगी, वही सरकार जिसने जिसके अंडर ये सब हुआ जो कोर्ट ने खुद नोटिस किया है, मेरे ख्याल से वो एक लीगली साउंड डिसीजन नहीं था। उसके बाद बात आती है कि कोर्ट जब रिमिशन का डिसीजन लेना होता है तो उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है या ट्रायल कोर्ट का प्रिसाइडिंग जज होता है, उसकी ओपिनियन बहुत ज़रूरी होती है सीआरपीसी के सेक्शन 235 के अंदर। और ये कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसा कि न्यूज़ में मैंने स्क्रॉल के एक आर्टिकल में देखा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो जज थे ट्रायल कोर्ट के, उन्होंने इसमें रिमिशन के अगेंस्ट ओपिनियन दिया था, उन्होंने नेगेटिव ओपिनियन दिया था। तो फिर भी इसमें आगे वो जाते हैं, तो ये एक दूसरी चीज़ है जिसमें हम देख रहे हैं कि आर्बिट्रेरीनेस है। तीसरी चीज है जो मैंने पीयूडीआर के स्टेटमेंट में पढ़ा, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि 2020 में इनमें से दो लोग पैरोल में बाहर आए थे और उन्होंने उस समय भी इन बिलकिस्टी और बहुत सारे विटनेसेस को थ्रेटन किया, उनको हरास किया करने की कोशिश की थी। तो ये हिस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है जो जब आप रिमिशन का डिसीजन लेते हैं तो वो नोट करनी होती है, पर वो नहीं की गई। दूसरी चीज जो नोट करनी होती है वो ये है कि उनका जो जो क्राइम है उसका समाज पे क्या इफेक्ट होता है। वो ये एक क्राइम, एक पोग्रॉम था, एक प्रीमेडिटेटेड पोग्रॉम था, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्राइम होता है। और क्राइम का नेचर मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ, हम सबको पता है बहुत ही हिनिस नेचर है और वो सब नहीं कंसिडर किया जाता है। अफकोर्स द ओनली चीज जो कंसिडर की जाती है वो तीसरी चीज जो कंसिडर करनी होती है वो है विक्टिम को कितना खतरा है। और वो रिमिशन ऑर्डर में भी वो जानते हैं कि विक्टिम को खतरा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उसको बिलकिस्टी की सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनको भी पता है सिक्योरिटी का उनका खतरा है। और जैसे कि मैंने बोला कि जब वो पहले भी बाहर आए दो लोग, उन्होंने उनको थ्रेटन किया। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो ओनली चीज जो कंसिडर की गई वो वही थी कि ये ब्राह्मणिकल संस्कार, ब्राह्मणों के संस्कार, जैसा कि एक मेंबर ने बोला कमिटी के। तो मैं कहूंगी कि वो जो ब्राह्मण, ये उनकी स्टेटमेंट ब्राह्मण संस्कारों के बारे में ज्यादा बात बताती है कि कैसे वो संस्कार हैं जो ऐसे क्राइम्स को अलाउ करते हैं, रादर देन द कैरेक्टर ऑफ द पीपल कि उनमें कोई बदलाव आया है। और अब मैं दूसरे हिस्से पे मुड़ूंगी, वो जो है मेरा एज अ लीगल रिसर्चर। जो बिलकिस्टी, देखिए बिलकिस्टी सिर्फ एक सर्वाइवर ऑफ जेंडर वायलेंस नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ देखा, वो एक विटनेस भी है और बहुत सारे, और विटनेस इंक्लूडिंग मर्डर्स उनके खुद के परिवार के और उनकी 3 साल की बच्ची, जिसमें उनकी 3 साल की बच्ची भी है, उन्होंने वो सब कुछ विटनेस किया। और मेरे ख्याल से एक, मतलब ये आजादी के दिन होना, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे पे होना, एक तरह से हिस्ट्री भी हमें बता रही है, हमें शीशा दिखा रही है, क्योंकि आज से 75 ईयर्स पहले भी
पूरे सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने बहुत कुछ विटनेस किया, बहुत कुछ सहा. मेरी दादी नानी दोनों ने के पास बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से परिवार की महिलाएं हैं जो गायब हो गई उस समय. और पर जब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस तरह की वायलेंस का क्या डिस्कशन होता है, तो वो नहीं होता है. इस तरह की वायलेंस में दो चीजों पे डिस्कशन होनी चाहिए, एक कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और एक इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. एक एज अ समाज हमारी क्या जवाबदेही है ऐसे सारे इंसिडेंट्स में, हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, और जिस इंसान ने गलती की है, जो इंसान गलती करते हैं, उनकी कैसे जवाबदेही दी जाए. तो जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स देखते हैं तो कोई इस बारे में बात नहीं होती है, इस अकाउंटेबिलिटी के बारे में. जब पार्टीशन की बात होती है तो वो दो ही जगह डिस्कस होती है, एक के दमन के कानून कैसे बनाए जाए, जो कि अब हमने 75 साल में देख लिया है कि वो दमन के कानून भी माइनॉरिटीज को दबाने के लिए ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और दूसरा कि वो माइनॉरिटीज के पॉलिटिकल राइट्स या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के जो राइट्स थे और आजादी से पहले, और उसके साथ साथ जो उनको कुछ माइनॉरिटीज को जो प्रोमिसेस किए गए थे आजादी के वक्त ताकि वो जुड़ जाएं, वो उनको डिनाय करने के लिए, तब वो पार्टीशन की होती है कि नहीं 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 इसे पोलराइजेशन होता है इसे. और मैं ये शब्द सुन रही हूँ पोलराइजेशन, पर ये पोलराइजेशन नहीं है, ये एक पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट एक आइडेंटिटी बना रहा है जिसमें उसने बहुत क्लियरली अपना अदर पहचान लिया है राइट फ्रॉम इट्स फाउंडेशन. एंड आई थिंक दैट उस इस बारे में हमें समझना होगा. जब मैं जो बिल्किस जी के साथ हुआ, जैसा कि अनुराधा ने कहा, वो बहुत हॉरेंडस था, बहुत आउटरेजियस था, शायद उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, पर ऐसा होता आ रहा है. पोग्राम ऑफ आफ्टर पोग्राम चला जा रहा है. 83 में नली होता है, 84 में दिल्ली में एंटी सिख वायलेंस होता है, एंटी सिख प्रोग्राम होता है, दिल्ली के साथ बहुत सारे दूसरे शहरों में होता है जिसकी तो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है. और मुझे 84 में एक सिख परिवार से हूँ, तो 84 की जो पहली चीज मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे बताई थी, वो यही थी कि कैसे बहुत ग्राफिकली उन्होंने मुझे बताई थी कि कैसे यंग सिख महिलाएं को स्ट्रिप किया गया और वो भाग रही थी, जो उस समय मुझे समझ नहीं आया था. उसके बाद आप चाहे 93 होता है, 2002 होता है, 2002 में ही आप देख लीजिए, बिल्किस जी का केस तो हमने सबने सुना अभी, पर अगर आप नरोडा पाटिया का केस देखें तो उसमें भी पूरे के पूरे 62 डिफेंडेंट्स को चार्ज किया गया था सेक्शुअल वायलेंस, रेप, सबके लिए. पर उसमें से सिर्फ एक का ही कन्विक्शन हुआ था, जिसने खुद, जिस डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट किया था. 120 रिपोर्ट्स गुजरात के जो मास वायलेंस है, जो पोग्राम है, उसमें 120 रिपोर्ट्स सेक्सुअल वायलेंस की फाइल की गई थी. तो उसको उन्होंने जब पुलिस स्टेट ने क्या किया कि उसको 26 कंप्लेंट ऑफिशियल कंप्लेंट बना दी 2-3 महीने बाद. और फिर उसका एक ऐसे ओमनीबस एफआईआर बोलते हैं हम, जिसमें कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया कल्प्रेट, कोई एविडेंस अच्छे से कलेक्ट नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, और कोई कन्विक्शन इवेंचुअली नहीं हुआ. एक बिल्किस जी वाला कन्विक्शन है जो हमें पता है. 2008 में कंधमाल का होता है, तो तब मुझे समझ आता है कि मेरी माँ जो मुझे बता रही थी कि ऐसे महिलाओं को स्ट्रिप नेकेड करके उनको भगाया गया था, क्योंकि 2008 में हमने फिर कंधमाल के कॉन्टेक्स्ट में नन जो एक नन थी उनके साथ जो गैंगरेप हुआ था, और उनको जो गैंगरेप करने के बाद उनको असॉल्ट करने के बाद उनको जो भगाया गया था पूरे भरे बाजार में, और पूरी जनता ने देख के उन पे कॉमेंट्स किए, उनको उस चीज को चीयर किया, और कुछ और क्या हुआ. आज हम बिल्किस जी की बात कर रहे हैं, जो नन गैंग रेप केस था उसमें 2014 में कन्विक्शन होता है तीन लोगों का सिर्फ, जबकि पूरा शहर इन्वॉल्व था, बहुत मास लेवल पे लोग इन्वॉल्व थे, और 2016 में वो लोगों को बेल मिल जाता है. तो इस दे हम बहुत जो 75 साल में हमने बहुत सेलिब्रेट कर लिया वो रिजिलियंट डेमोक्रेसी, रिजिलियंट रूल ऑफ लॉ,
बट आई थिंक एक हमारे सामने आज एक मिरर खड़ा है जो हमें साफ बता रहा है कि वो रिजिलियंस माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के ट्रॉमा और उनको दबाने और उनके एक वायलेंट गवर्नेंस पे बेस्ड है, उनके ट्रॉमास पे वो रिजिलियंस बनी है. और आई थिंक दैट बिकॉज हम एक मूवमेंट स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में, मैं एनएपीएम एक मूवमेंट है, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम प्रायोरिटाइज करें और हम एक सेंटर करें जो एक माइनॉरिटीज की नीड है, क्योंकि ये एक सबसे पब्लिक और सबसे रेकरिंग स्पेक्टिकल है जो बार बार इस देश में हो रहा है. कभी एक माइनॉरिटी आती है, फिर दूसरी माइनॉरिटी आती है, वो चली जा रहा है साइकिल, उसका कोई अंत नहीं है. और ये मूवमेंट्स का, चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है, चाहे वो पीपल्स मूवमेंट्स है, चाहे वो राइट्स मूवमेंट्स है, या चाहे वो माइनॉरिटी लीडर्स है, आई थिंक आज हम सबको साथ आने की जरूरत है इस बात पे, और इस चीज को प्रायोरिटाइज और सेंटर करने की जरूरत है कि कैसे हम एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बना सके जो विक्टिम सर्वाइवर्स को सेंटर करे, कैसे हम एक रेपरेशंस, एक रेपरेशंस की बात करें, रेमेडी की बात करें, जिसमें विक्टिम की जिसमें विक्टिम को सेंटर किया जाए कि रेमेडी क्या होती है, मेमोरियलाइजेशन को प्रायोरिटाइज किया जाए हमारी मूवमेंट्स में. मैं मेरे लिए, मैं लॉ या ह्यूमन राइट्स या मूवमेंट्स के साथ इसलिए जुड़ी थी क्योंकि मैंने 84 से 2002 तक अपने पेरेंट्स को अकेले एक हर साल नवंबर में अकेले देखते अकेले बैठे हुए देखा है, उनकी खामोशी देखी है, उनका साइलेंस देखा है. टोकन सॉलिडैरिटीज इधर उधर होती हैं पर नॉर्मली वो अकेले होते थे. 2002 में मुझे समझ आया कि एक आइसोलेशन एक कम्युनिटी का क्या होता है जब वो किसी ऐसी एक इंसिडेंट के थ्रू जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जितने भी इंसिडेंट्स हैं इनको अपनी मूवमेंट्स में प्रायोरिटाइज करके मेमोरियलाइज करें. इनको हम देश की जो हिस्ट्री जो एक स्टेट के पर्सपेक्टिव से रखी गई है, हम उससे जरा हट जाएं और हम अब ये मूवमेंट्स की जो हिस्ट्री है, जो उनके ट्रॉमास हैं, उनको सेंटर किया जाए और उनको याद किया जाए और उनकी स्ट्रगल्स को आगे रखा जाए. ये जो बात है, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की बात है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सीडॉ कमिटी जो कि महिलाओं की एक मेन कमिटी है यूएन लेवल पे, और उसके साथ जो स्पेशल रेपिटियर है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के अगेंस्ट जो हिंसा होती है, उसके जो स्पेशल रेपिटियर होते हैं यूएन में, उन दोनों ने इंडिया को बार बार बोला है कि एक कानून की जरूरत है जो कि जेंडर सेंसिटिव हो, जो कि विक्टिम सेंटर्ड हो, और जिसमें प्रोसीजरल और एविडेंशरी रूल्स, यानी कि कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, कैसे एविडेंस कलेक्ट किया जाए, ये विक्टिम को सेंटर करके किया जाए, और रेपरेशन यानी कि उसको उसके बाद उनको उनको सॉल्यूशन क्या दिया जाए, उनको रेमेडी क्या दी जाए, वो सब चीजें बहुत जरूरी हैं इंडिया में क्योंकि ये बार बार हो रहा है. अगर और हम ये देखिए, ये खाली एक रेप नहीं है, ये खाली एक मर्डर नहीं है, ये खाली एक अनलॉफुल असेंबली नहीं है, हमारे पास लैंग्वेज नहीं है इन सारे क्राइम्स की. ये इसका हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो स्टेट के सपोर्ट से बार बार हो रहा है. और हमारे पास अब हम 2014 से वो और भी ऑफकोर्स एक्सट्रीम चल रहा है, तो हम एक, जैसा कि बार बार वॉर्न किया जा रहा है कि हम जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड आई थिंक हमारी मूवमेंट्स में हमारे पास एक बहुत ही वोकैबुलरी की डेफिशिएंसी है कि हम इन क्राइम्स को अच्छी तरह बता भी नहीं पा रहे कि ये क्या क्राइम्स हैं. इंटरनेशनली सेक्सुअल वायलेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इज अ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ये पूरे समाज के अगेंस्ट एक क्राइम है, और 84 के जजमेंट में जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हाई कोर्ट में नोट भी किया है ये प्रकाश कौर वाली जजमेंट में इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो हमें वो या तो चाहे हम खुद की लैंग्वेज डेवलप करें, चाहे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज से बोरो करें,
पर मूवमेंट्स को लैंग्वेज अब इंटरनलाइज करनी पड़ेगी कि ये हम इन क्राइम्स को डिफाइन कैसे करें, वरना हम दुनिया को बता भी नहीं पाएंगे कि चल क्या रहा है, द इंटेंसिटी क्या है चीज की, आउटरेजियसनेस क्या है, हॉरेंडसनेस क्या है ये जो क्राइम्स हो रहे हैं इनकी। उसके अलावा सीडो ने ये भी बोला है, सीडो ने गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, जो कि ऐसी हिंसाएं चाहे वो रवांडा हो, चाहे वो यूगोस्लाविया हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, जब हिंसा होती है ग्रुप्स के बीच में तो एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का एक सिस्टम होता है जो हमारे यहाँ स्टेट ने आज तक ट्राई नहीं किया है, उसका बात नहीं होता है। मूवमेंट स्पेसिस में थोड़ा सा जरूर ट्राई हुआ है एंड इसके बियॉन्ड एकेडेमिक स्पेसिस में नेशनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की बात हुई है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को किस तरह अप्लाई किया जाए उसकी बात हुई है, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब वो एकेडेमिक स्पेसिस से मूवमेंट स्पेसिस में सेंटर किया जाए, वो मूवमेंट स्पेसिस उसको क्योंकि हम एक पार्टी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं जो क्लियरली अब बहुत, जिसने बहुत क्लियर कर दिया, पहले भी देखिए हिडन एजेंडा हमेशा था वो हिंदू राष्ट्र का, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, पर इस पार्टी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये उसका एजेंडा है, तो इसलिए हमारे लिए भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट के अगेंस्ट। क्या हम माइनॉरिटीज को एम्पावर करेंगे या फिर हम फिर से वो स्टेट सेंटर डिस्कोर्स पे से जुड़े रहेंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगी, कुछ भी अगर मेरे से भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। शुक्रिया। थैंक यू गुनीत, आपने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट्स रेस किए हैं। लिंग्विस्टिक्स में एक चीज कही जाती है कि एक शब्द को अगर आप बार बार यूज करें तो उसका जो मॉरल वैल्यू होता है या जो इमोशन इवोक करना रहता है वो धीरे धीरे चला जाता है। आई थिंक मूवमेंट स्पेसेस में हम ये स्पेशली वायलेंस को लेके, स्टेट वायलेंस को लेके हम जैसे ड्रकोनियन जैसे जो शब्द हैं वो इतने बार यूज कर चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि उसका जो एक मॉरल वैल्यू था, जो एक शॉक वैल्यू था, वो अब जा चुका है। सो ये जो एक नए शब्द बनाना, एक ग्रामर यू नो फॉर द काइंड ऑफ वायलेंस दैट यू नो वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये एक बहुत बड़ा चर्चा, बहुत अहम चर्चा है जो अगर अब हम नहीं करें तो मुझे नहीं पता कि हम किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। द अदर थिंग इज जो मुझे लगता है एक जो फिलोसफिकल क्वेश्चन भी मूवमेंट स्पेसेस में आ चुका है वो ये है कि हम यू नो इम्पार्ट जो बात हम करते रहते हैं दैट यू नो हम इंटरसेक्शनल है, हम माइनॉरिटी को कैसे इम्पार करें, मुझे कभी कभार लगता है कि वो जो एक एक्शन होना चाहिए दैट यू नो एक्शन फॉलोड बाय वर्ड्स, वहां पे एक स्टिल लैग है, या हम मूवमेंट में अभी भी उतना लाइक हमारा स्ट्रेंथ नहीं है यू नो बी इट लाइक यू नो कितने मेंबर्स हों और व्हाट, कि हम वो एक्शनेबल हम कुछ कर पा नहीं रहे हैं। हमारे स्टेटमेंट्स आप अगर देखें तो यू नो द वर्ड्स आर रेपिटेटिव, एंग्विश एंग्विश एंग्विश, इस एंग्विश के आगे हम क्या और एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्चुअली हम किस तरीके से चुनौती दे सकते हैं सत्ता को। आई थिंक इट्स आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स एंड आई नो दैट many people in movement spaces they are also like you know log apna himmat haar rahe hain kyunki lagta hai ki din ke ant mein hum bas baith ke baat hi kar rahe hain hamari jo next vakta hai wo hai Sabika Sabika is a poet and an activist Sabika to the floor and let her do her thing welcome Sabika शुक्रिया अनुराधा सबको मेरा सलाम आदाब और मतलब आई थिंक अनुराधा जिस गुस्से की और जिस आउटरेज की बात कर रही हैं कि मतलब अब तो हम लोगों के पास अल्फाज ही नहीं बचे हैं, अब हम लोग के पास शब्द ही नहीं बचे, मतलब हमें याद है कि जिस रोज ये हुआ और बिल्कुल बानो के जो जब इन रेपिस को
बेल मिली ये बाहर आए और जिस तरीके से उनका मतलब द ऑब्सिनिटी ऑफ इट कि किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई गई, उनके गले में माला डाली गई, मतलब ये पूरा परफॉर्मेंस जो है और जिस रोज हुआ, जिस दिन हुआ, मतलब हमें ये कोइंसिडेंट नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा देश और उसके जो ड्यू प्रोसेस है और अब जो लोग उसे संभाल रहे हैं इन सारे इदारों को, वो मुंह चढ़ा रहे हैं हम लोगों को बेसिकली। इट फील्स एज इफ कि भाई वो जानबूझ के ये सब चीजें कर रहे हैं। टू टेल यू कि तुम लाख ड्यू प्रोसेस में यकीन करो, तुम लाख याचिकाएं फाइल करो, तुम लाख दर दर भटको, तुम लाख लड़ाइयां करो, तुम लाख अपने चेहरे के ऊपर जो है बार बार लिखवाओ कि तुम इस देशभक्त हो, देशभक्त हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ड्यू प्रोसेस कोई माने नहीं रखता है। इसे बिल्किस बानो के केस में नहीं बल्कि जनरली मुसलमानों के केस में हो रहा है और उस हर एक के केस में जो केस में हो रहा है, जो केस इसके खिलाफ जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ बोल रहा है। जब हम ये बिल्कीज मानो के केस की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बार बार ये जो हमारा नेशन है वो एक रेप सर्वाइवर को ट्रायल पे रखता है, बार बार ट्रायल पे रखता है, बार बार। मतलब जैसा कि अभी बताया गुनीत ने कि क्या क्या उन्हें उनके एविडेंस के साथ कैसे टैम्पर किया गया, कैसे पहली बार जब उनका के पहली रिपोर्ट जो फाइल हुई थी उसमें बताया गया कि लोग झूठ बोला गया कि उनके साथ ये दरिंदगी नहीं हुई है। फिर उसके बाद उनके केस को उनको इतने थ्रेट्स मिलने लगे और आज तक उन्होंने खुद अपने कितने सारे इंटरव्यूज में बताया है कि जब वो गुजरात में होती हैं तो उनको अपना चेहरा छुपा के रास्ते पे चलना पड़ता है, अपना एड्रेस किसी से रिवील नहीं करती हैं। इस तरीके का थ्रेट है जो उनके साथ है और ये कंटिन्यूस अटैक है मुसलमान औरतों के ऊपर। ये बात हम पहले कई बार बोल चुके हैं और दोबारा फिर से बोलना चाहते हैं कि ये जो नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, पहले उसमें मुसलमान औरत को एक विक्टिम की तरह देखा जाता था जिसको मसीहा की जरूरत होती थी, और अब जब मुसलमान औरतें बोलने लगी हैं, आवाज उठाने लगी हैं, हक की दुहाई देने लगी हैं, हक की गुहार लगाने लगी हैं और मतलब रिजिस्ट कर रही हैं, एक जहद में लगी हुई हैं कि हक सामने आए, मानवाधिकार का हनन ना हो, जो सवाल उठा रही हैं सत्ता के ऊपर और मतलब अलग अलग तरीके की सत्ता के ऊपर, तो फिर डर गया है ये जो आइडिया है, ये जो एक नए राष्ट्र बनाने का जो आइडिया है वो डर गया है और वो कंटिन्यूसली मसीहा मुसलमान औरत को एक विक्टिम के नजरिए के बजाय एक विलन के नजरिए से देखने लगा है। और उनके लिए मुसलमान औरतों को अटैक करना एक बहुत एसेंशियल टूल बन गया है इस राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि जब राष्ट्र बन रहा है तो किसके सीनों के ऊपर बन रहा है, किसके उजड़े हुए लाशों के ऊपर, लिंच्ड बॉडीज के ऊपर ये राष्ट्र बन रहा है, रेप्ड बॉडीज के ऊपर ये राष्ट्र बन रहा है, ऑब्जेक्टिफाइड बॉडीज के ऊपर ये राष्ट्र बन रहा है, और वो सारी बॉडीज जो हैं वो मुसलमान औरतों की और मुसलमानों की बॉडीज हैं और खासकर मुसलमान औरतों की, और ये सारी चीजें जो हम लोगों ने सुल्ली बाई में देखा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ऑल दोज जो बार बार ये बोल रहे हैं कि एक औरत के हक की बात है, एक औरत के हक की बात है, तुम लोग खामोश कैसे हो, मजहब मत देखो, बट देखो एक औरत के ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि औरत के ऊपर इसलिए ये जुल्म हुआ क्योंकि वो मुसलमान थी, इसलिए बेरहमी से उसके परिवार जनों को मार डाला गया क्योंकि वो मुसलमान थी, और आज उसके गुनाहगार आजाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान औरत है। उसकी जो आइडेंटिटी है, जो बिल्कुल मानो की आइडेंटिटी है, उसको नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि दिस इज अ शो, दिस इज अ ये रिवॉर्ड देना, दो चीजें इसमें, ये आपको बताया जा रहा है कि आप जितना भी ड्यू प्रोसेस फॉलो करें आपके साथ इंसाफ नहीं होने वाला है, कुछ कोई भी इदारा, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो आपके साथ है ही नहीं। दूसरा, ये ना सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए एक मैसेज है दैट आपको कोई भी जस्टिस नहीं मिलेगा, बल्कि ये मैसेज जो रेपिस्ट है उनके लिए भी है कि इनको तुम मारोगे, इनको तुम रेप करोगे तो हम तुम्हें अवार्ड देंगे, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, हम तुम्हें टिकट्स देंगे इलेक्शन में खड़े होने के लिए, हम तुम्हें अपने लोकल पार्टी में एक दर्जा दे देंगे, एक ओहदा दे देंगे, और सिर्फ ये नहीं बल्कि ट्विटर के ऊपर चौराहों चौराहे प्रोपोगंडा के तहत तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तुम्हें हीरो बनाएंगे, अगर तुमने किसी को मारा है, किसी के बदन को, मुसलमान मजदूर के बदन को जला दिया है, तो याद रखना अगले सभासद इलेक्शन में हम तुम्हें टिकट देंगे। अगर तुमने 2002 में बिल्कीज मानो को रेप किया था, उसके घर वालों को मार डाला था, उसके छोटे से बच्चे को मार डाला था, तो फिर उस परिवार के बच्चों तक को मार डाला था, तो फिर
तुम्हें 10-20 साल बाद ही सही, मगर हम तुम्हें अवार्ड देंगे जब हम सत्ता में होंगे. वी विल रिवॉर्ड यू फॉर द अट्रोसिटीज यू आर गोइंग टू कमिट ऑन मुस्लिम बॉडीज, रिवॉर्ड यू के तुमने हाशिए पे खड़े लोगों के ऊपर जो जो जुल्म किया उसके तुम्हें अवार्ड मिलेंगे. तुम दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ जितना जुल्म करोगे, अपने पड़ोसी को जितना अनकंफर्टेबल फील कराओगे, जितना प्रोपोगेंडा आगे बढ़ाओगे, देयर इज अ रिवॉर्ड. तुमने बम ब्लास्ट में साथ दिया, हम तुम्हें जो है पार्लियामेंट का टिकट देंगे. तुमने इन्हीं राइट्स में, इसी प्रोग्राम में, इसी किसी जीनोसाइड को ओवरलुक किया और तुमने उनको बल्कि ओवरसी किया, तो फिर हम तुम्हें और ऊंचा नेशनल ओहदा देंगे. इस तरीके से दिस इज द मैसेज दैट द नेशन वांट्स टू गिव अस, दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. और ये अटैक continuously chalta rahega and there's no stopping it, and there'll be people who'll be defending this. Everything is very symbolic. Aur ye bata diya gaya hai ki due process tumhare liye nahi hai. Gunit already bata chuki hai sanskar aur caste ke bare mein aur kaise ki there's so much of lack of outrage. Jo outrage hai asal mein wo bas us bade se bubble mein hai. Bubble to nahi kahenge kyunki sab zameeni taur pe kaam kar rahe hain, बल्कि हम ही लोगों में, हम लोग जो एक दूसरे को जानते हैं, वो 6-7 हज़ार लोग जिन्होंने याचिकाएं साइन की हैं, वो हमारे नेटवर्क के लोग हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, जिसमें से सब किसी ना किसी को जानते हैं. लेकिन उसके बाहर आउटरेज नहीं बल्कि व्हाट अबाउटरी हो रही है. अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं, दिस डिडंट इवन मेक नेशनल न्यूज. घरों में जो लोगों के अखबार आता है, पहले पन्ने के ऊपर ही नहीं लिखा है कि किसी ने किसी इतने बड़े क्रिमिनल्स को छोड़ दिया गया. जबकि इस मतलब जो वकालत से ताल्लुक रखते हैं, जो लीगैलिटी से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें मालूम है कि इस केस में अगर आपको लाइफ सेंटेंस हुआ है तो आपको यू डोंट गेट, मतलब आपको इस तरीके से बेल नहीं मिल जाती. तो बस हमें बस इतना कहना है, मतलब आई एम जस्ट सो आउटरेज्ड एंड आई रियली डोंट हैव मच होप. मगर हमें ये भी पता है कि उम्मीद के अलावा और कोई चारा हमारे पास है ही नहीं. वी हैव टू रेजिस्ट. आई रियली आई एम इन द स्पेस जब मेरे अंदर सिर्फ क्रोध और डिसअपॉइंटमेंट भरा हुआ है, और बस उसी क्रोध में हमने एक छोटी सी कविता लिखी थी. हमें नहीं पता जो हमने कहा इट मेक सेंस और नॉट, बट बस दो तीन चीजें हमने जो बोली हैं वो ये हैं कि दिस नेशन इज मेड ऑन द डेब्रीज ऑफ आर लिंच एंड रेप बॉडीज, एंड दिस नेशन वांट्स टू एंश्योर दैट नो लॉ, नो ड्यू प्रोसेस इज मेड फॉर अस, इंसाफ ना मिले. और तीसरी बात ये कि जो हमें हमारे ऊपर जुल्म करेगा उसको अवार्ड मिलेगा. दीज आर द 3 थिंग्स दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. उसी क्रोध में मे भी एक ऐसा वक्त आएगा कि जब हमारा ये क्रोध शायद थोड़ा सा कम हो जाए, तो शायद हम ये बैठ के सोच पाए कि हम क्या कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, किस तरीके से और आवाज़ उठा सकते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए. लेकिन तब तक आज सिर्फ मेरा क्रोध है. द ओनली इमोशन, द ओनली जज्बा दैट आई ब्रिंग टुडे इज एन एब्सोल्यूट एंगर एंड डीप ग्रीफ एंड सो मच ऑफ ग्रीफ फॉर बिल्किस बानो, बिकॉज उन्होंने जो जुल्म सहा है. सोचिए, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और फिर उसके बाद इतनी मुश्किल से जब ये एहसास करके एक लम्हे के लिए बैठी कि शायद इंसाफ मिल गया, उस लम्हे को भी हमारे राष्ट्र ने चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया. दिस नेशन किल्ड दैट लिटिल मोमेंट ऑफ पीस दैट बिल्किस माइट हैव गॉट आफ्टर शी अज्यूम्ड, वी अज्यूम्ड कि इंसाफ मिल गया. तो दैट आइडिया इज समथिंग दैट really kills me. दिल के छोटे छोटे टुकड़े एक तीर की तरह ऐसे सीने में लगा है. आज सुबह सो के उठे तो सबसे पहली खबर जो पड़ी वो ये पड़ी कि कैसे यूपी के ही एक गांव में दो मुसलमान माइनर लड़कियों को किसी आदमी ने रेप किया एंड एक उनमें से एक को मार भी डाला. एंड देन एवरी डे यू हियर दीज न्यूज. बहुत ही मतलब आम हो गया है एंड इट इज सेलिब्रेटेड. और क्यों नहीं सेलिब्रेट होगा भाई? पावर में ही वो लोग हैं जिन्होंने ये तक बोला है, जिनकी प्रेजेंस में ये तक बोला गया था कि मुर्दा मुसलमान औरतों की बेहुरमती करो, मुर्दा मुसलमान औरतों के भी को रेप करो, ये बोला गया था. दोस पीपल आर इन पावर, दोस पीपल आर सीन एज हीरोज इन दिस कंट्री एट द मोमेंट. तो फिर हम और क्या ही कह सकते हैं. मतलब एक दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिफीट, क्योंकि हम हारे नहीं है. हम तो बोलते जाएंगे ही, चाहे कुछ हो जाए आवाज उठाते जाएंगे ही, और सत्ता के जुल्म के खिलाफ तो बोलते ही जाएंगे. मगर इस वक्त क्रोध निकल रहा है, इस वक्त क्रोध और डिसअपॉइंटमेंट निकल रहा है हमारी जबान से. और यकीन मानिए तो सरप्राइज भी नहीं है. वी आर नॉट इवन सरप्राइज एनी मोर. कि मतलब ऐसा लगे कि यू विल फील शॉक्ड के हो, एक मुल्क जिसमें हमेशा इंसाफ होता था आज ना इंसाफी हो गई. हम लोगों ने इतनी हिस्ट्री और तारीख ना इंसाफी की बना ली है
कि इस नाइंसाफ फैसले के ऊपर, इस नाइंसाफी के ऊपर शायद बहुतों को भी शौक भी ना लगा हो, क्योंकि ये अज्यूम कर लिया है कि ये तो होना ही है इस मुल्क में. दिस अजम्पशन इज समथिंग जो हमारे जहन में, आज हम लोग युवा संवाद की बात करें, मीरा जो बात बोल रही है ना कि पूरी युवा जिंदगी एक मुसलमान औरत की सिर्फ और सिर्फ संघर्ष में चली गई, और जो उम्मीद की किरण उसने जलाई थी उस पर भी इन्होंने अपनी नफरतों का पानी डाल दिया. बस एक छोटी सी नज्म है, पता नहीं उसका मतलब क्या है, बहुत ही सिनिकल नज्म है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे. बस ये है कि नए राष्ट्र की है तैयारी, नए राष्ट्र की है तैयारी, हो तुम मुस्लिम औरत तो फिर ऐप वैप पर बेचेंगे, जैसे ही तुम बोलोगी हम मिलकर जबान खींचेंगे, फिर जान की धमकी मौत की धमकी डीएम में भी भेजेंगे, हक अपना तुम मांगोगी, हुई जुर्रत कैसे तुम्हारी, नए राष्ट्र की है तैयारी भाई, नए राष्ट्र की है तैयारी, नींव रखी सीने पर मेरे, लाशों से फर्श को पाटा है, हर जानिब है गौर इंसा और मुंह पे विकास का ढाटा है, लुट गए सारे हक के इदारे, लुट गए सारे हक के इदारे, कचहरी में सन्नाटा है, न्यायालयों के फैसले अब तो न्याय पे पड़ गए भारी, नए राष्ट्र की है तैयारी, नए राष्ट्र की है तैयारी, हमको मारने वाला अब तो है क्रांतिकारी, हमको मारने वाला अब तो है क्रांतिकारी, रेप करे जो हम लोगों का वो तो है संस्कारी, रेप करे जो हम लोगों का वो तो है संस्कारी, कह सकते हो कैसे क्रिमिनल वो है जनेऊधारी, निकले जैसे जेल के बाहर करियो खातिरदारी, भाई नए राष्ट्र की है तैयारी, नए राष्ट्र की है तैयारी, वो चौराहे जिन पर कभी धरने होते रहते थे, वो चौराहे जिन पर कभी धरने होते रहते थे, नारी बचाओ बेटी बचाओ के नारे गूंजा करते थे, देश की बेटी कैसे बचेगी उस पर चर्चा करते थे, देश की बेटी कैसे बचेगी उस पर चर्चा करते थे, वो चौराहे वो रस्ते वो गलियां हो गई खाली, भाई नए राष्ट्र की है तैयारी, नए राष्ट्र की है तैयारी, आप दौड़े धूपे रिट लिखें या लिखें याचिकाएं, आप दौड़े धूपे रिट लिखें याचिकाएं, ड्यू प्रोसेस पर करे यकीन या जस्टिस में फेद दिखलाएं, ड्यू प्रोसेस पर करे यकीन या जस्टिस में फेद दिखलाएं, कुछ नहीं होने वाला उससे आएंगी हाथ हवाएं, कुछ नहीं होने वाला उससे आएंगी हाथ हवाएं, संविधान को भूलो भैया, संविधान को भूलो भैया, नया निजाम हुआ जारी, भाई नए राष्ट्र की है तैयारी, नए राष्ट्र की है तैयारी, तुम जब हमको धमकी दोगे, तुम जब हमको धमकी दोगे, मौत के घाट उतारोगे, अपने पड़ोसी मुस्लिम पर जब जुल्म नए करवाओगे, हमको देशद्रोही कहोगे, कातिल को हीरो बनाओगे, हमको देशद्रोही कहोगे, कातिल को हीरो बनाओगे, तब मिलेंगे इनाम तुम्हें जब करोगे इस्मत दरी, नए राष्ट्र की है तैयारी भाई, नए राष्ट्र की है तैयारी, हमको मारने वाला आप तो है क्रांतिकारी, रेप करे जो हम लोगों का वो तो है संस्कारी, कह सकते हो कैसे क्रिमिनल वो हैं जनेऊधारी, निकले जैसे जेल के बाहर करियो खातिरदारी, भाई नए राष्ट्र की है तैयारी, नए राष्ट्र की है तैयारी. I don't know if I've added any value to this conversation because the only thing I bring today is a lot of outrage, is a lot of grief and very small iota of hope. शुक्रिया. शुक्रिया सबेका. मैं तो निशब्द हूँ आफ्टर हियरिंग योर पोएम. एंड यस, एक्चुअली आई एम आल्सो जस्ट, आई डोंट नो इफ आई एम एंग्री या मैं दुखी हूँ या डिसअपॉइंटेड, आज मेरे पास एकदम शब्द नहीं है. पैनल को भी कैसे मॉडरेट करो, किस मुद्दे को लेके थोड़ा इंटेलेक्चुअली पॉलिटिकली बात करो, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चर्चाएं तो चलती रहेगी लेकिन यहाँ पे किसी की जिंदगी का सवाल है. दिस इज जस्ट, एनीवे, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर पोएट्री एंड ब्रिंगिंग योर आउटरेज. मैं इतना कहूंगी कि हमारे साथ यहाँ पे आज काफी साथी जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है काफी लोगों के दिल में यही आक्रोश भरा हुआ है. यहाँ पे कॉमेंट्स में मैं देख रही थी किसी ने लिखा है कि एंगर
is the root of protest against injustice and heinous crime, और वो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को जिंदगी भर सिर्फ गुस्सा ही रहना पड़ता है, कुछ लोगों को जिंदगी बस स्ट्रगल ही करना रहता है, और फिर जिंदगी बस वही रह जाती है, वही बन के रह जाती है, और आज काफी लोग वैसे फील कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि maybe somebody like me, I can afford to be disappointed, I can afford to give up, I can afford to retreat into a shell, but for people like Bilkis, this thing of like being disappointed with the decision, being despondent in any way, giving up, it's not a solution. ये भी एक आजकल मतलब ये फील करना कि बोलना कि हाँ मैं सैड हूँ और अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है। और शायद आज काफी लोगों को वो यही अपने आप को बोलना पड़ेगा कि इफ लाइक यू नो यू रियली वांट टू फाइट, यू कैन नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड यू हैव टू फाइंड वेज ऑफ होपिंग एंड वेज ऑफ रेजिस्टिंग, जो कि श्रिंक होते जा रहे हैं दिन बर दिन। हमारी जो अगली वक्ता हैं वो है रुबीना, जो यूपी से है और वो भी विभाग कलेक्टिव से जुड़ी हुई हैं। हिंदू राष्ट्र में यूपी की तो एक खास जगह है, वहाँ पे योगी जी की जो सरकार आई है और वहाँ पे जो चलता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, मेरे ख्याल से जैसे मोदी ने अपने यहाँ राह बनाई थी 2002 के कार्नेट से, वैसे ही मुजफ्फरनगर के जो रायट्स रहे हैं, दैट हैज पेव्ड द वे फॉर योगी, एंड वहाँ पे जो हो रहा है उसको शायद हमारे एटलीस्ट सर्कल में बताने की अलग से जरूरत नहीं है। मैं रुबीना को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए अपनी बात रखें, बिल्किस का जो स्ट्रगल रहा है और यूपी में मुस्लिम औरतों का जो एक स्ट्रगल रहा है स्पेशली अंडर योगी रूल, वो कैसा रहा है और व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज दे आर फाइंडिंग टू रेजिस्ट इट, आई होप आज रुबीना इसको लेके बात रख सके। रुबीना शुक्रिया अनुराधा जी, मेरी वीडियो नहीं ऑन वो हो रही है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है और बहुत लाइट आ जा रही है। वो बिल्कुल ठीक है, हाँ, आप बात कीजिए। तो इतनी देर से सुन रहे थे हम, काफी काफी दर्दनाक, जब बिल्किस बानो का केस आता है तो काफी दर्द, फिर से वही चीजें नजर आती हैं। तो लग रहा था सभी को पहले सबसे पहले जिंदाबाद और एनएपीएम का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने बड़े मंच पर बोलने का एक मौका मिला है। तो जैसे हम देख रहे थे लगातार न्यूज पढ़ लेते हैं और लोगों से सुन रहे हैं, जो हम समुदायों में देख रहे हैं, लोगों से बाकी अपने साथियों से सुन रहे हैं, तो देख रहे हैं कि आज भी बिल्किस कहती है कि किसी भी महिला के साथ न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकता है। सही है कि जिस तरीके से ये 15 अगस्त को ये बरी हुए हैं 11 लोग, उस तरीके से जो इतनी सारी महिलाएं, इतनी सारी जो केस जो अपना अपने लिए लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं इतने सालों से, उनका एक उनके संघर्ष में बहुत कमजोर भी हुई हैं वो सारी महिलाएं। ये फैसला सिर्फ बिल्किस बानो का नहीं बल्कि हिंदुस्तान की उस तमाम महिलाओं का है जो अदालतों में न्याय पाने के चक्कर लगा रही हैं, संघर्ष कर रही हैं इतने सालों से। तो ये बहुत मंजर बहुत खराब रहा है। हम देख रहे हैं लगातार कि जो जो गुजरात में हुआ और जो लोग उसके समर्थन में थे, जो लोगों को जो है उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे, जैसे ज़किया ज़ाफ़री, तीस्ता से तलवार जैसे लोग, वो जेल में अभी भी हैं, और जबकि बिल्किस बानो की जो बलात्कारी हैं वो कैसे मुक्त हो गए। तो ये बहुत शर्मनाक चीजें हैं, बहुत शर्मनाक बातें हैं, पर इनको तो शर्म नहीं आती, ये हम भी जानते हैं। तो लोगों को न्याय मिले इसकी जिम्मेदारी पूरी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की होती है, जो कि ये इनका कोई क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। पर हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, जैसे खरुन निशा दी ने कहा था, पर इनके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है हम सब जानते हैं। इनका इनके मन में सम्मान इतना ही है कि औरतों को गैस चूल्हा बांटो, औरतों की जगह जो है वो किचन में रसोई घर में ही है, वहां से जब वो निकल कर बाहर आती हैं और अपनी लड़ाई, अपने संघर्ष, अपने जो न्याय पाने के लिए, अधिकार के लिए लड़ती हैं, तो उन औरतों को कैसे दबाने के लिए, कैसे उनको फिर से अंदर करो, ये इनका एक बहुत बड़ा मकसद है।
वो चाहे जिस भी धर्म और जाति की महिलाएं हों। हम देख रहे हैं लगातार कि लोगों को न्याय, देख रहे हैं कि हम बिल्कीस बानो जैसी कितनी बहुत कम महिलाएं हैं जो इतने सालों से संघर्ष कर रही हैं, इतने सालों से वो लड़ रही हैं न्याय करने के लिए, न्याय पाने के लिए, और बहुत कम महिलाएं, बहुत कम लड़कियां हैं जो निकलकर सामने आती हैं, इतनी लंबी लड़ाई का वो एक हिस्सा बनती हैं। उन सारी लड़ाइयों को बहुत ज्यादा कमजोर किया है इस पूरे फैसले ने। और हम देखें यूपी का जो माहौल रहा है, 2014 के बात तो हम सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान का माहौल कैसा रहा है, और खासकर 2014 और 2017 के बाद तो और ही ज्यादा बदल गया। किस तरीके से यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड, गौ, कितनी मॉब लिंचिंग, किस तरीके से जो है लोगों के रोजगार पे हमला किया गया है, किस तरीके से गोशबंदी किया गया, उससे कैसे लगातार मुसलमानों के जो कारोबार, मुसलमानों के जो रोजगार रहे, कैसे उस पे हमला हुआ। और जब मुसलमान लोगों पे हमला और आदमियों पे हमला हुआ तो उसका सीधा असर कैसे वो महिलाएं और लड़कियां झेल रही हैं, कैसे वो उन्होंने झेला है, ये हम सब जानते हैं। हम देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर उन्नाव केस जो हुआ था उसका हम देखें, जो 2017 में हुआ था, उस लड़की ने न्याय पाने के लिए कितना पूरा, मतलब मुख्यमंत्री आवास पे पूरा परिवार जाके बैठा था, किस तरीके से उसके पूरे परिवार किस तरीके से खत्म हो गया। हाथरस में हमने देखा है, हमने हमने जो है ललितपुर वाले केस में देखा है, गैंग रेप में किस तरीके से लोग न्याय की प्रक्रिया में लोगों ने जान गंवा दी है और न्याय उनको नहीं मिला है। और कितनी सारी औरतें, कितनी सारी लड़कियां जो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, इतने सालों से निकल के आ रही हैं, और जो बहुत सारी नहीं निकली हैं, किस तरीके से उनकी पूरी पूरी उनकी हिम्मत को कमजोर किया गया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरा जो है इनका पूरा एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा हम सब जानते हैं कि क्या है। वो लगातार भारत की तो बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, भारत में रहने वाले लोग की बात नहीं करते हैं। जो भारत में लोग हैं उनकी, उनको तो वो गायब ही कर देते हैं। इसीलिए तो इनको संविधान से प्रॉब्लम है, इसलिए उस किताब से प्रॉब्लम है कि वो किताब ही कहती है कि हम भारत के लोग, ना वो किसी धर्म से शुरू है, ना वो किसी जात से शुरू है, तो इसीलिए उस किताब से भी इनको दिक्कत है बहुत। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा तो बाकी जो हमारी शिक्षा की किताबें भी सुरक्षित कहीं ना कहीं वो रहेगी। क्योंकि हम एक देश की कल्पना जब करते हैं तो एक हथियार भी आता है संविधान हमारे रूप उसमें। और अगर हम देखें कि यूपी का, अगर हम देख रहे हैं कि अभी कैसे किस तरीके से बुलडोजर नीति अभियान इनका चल रहा है, कि लगातार कितने यूथ भी बहुत सारे हम देखते हैं बहुत इंस्पायर होते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि स्टेटस पे लगाए हुए हैं किस तरीके से वो जो गाना बुलडोजर बाबा की जय जय, पूरे लगातार वो गाना, वो पूरा माहौल, ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो बुलडोजर चलेगा किस पर, वही मुसलमान पर, वही दलित पर, वही गरीब जो वंचित हैं उन पर, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब हम लोग जानते हैं, ये सारी नीतियां जानते हैं, जिस तरीके से आफरीन का घर तोड़ा गया, किस तरीके से जो बेबाकी के साथ बोलने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, जिस तरीके से लोग जो दूसरे के न्याय और हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, उनको जेल में किस तरीके से बंद किया जा रहा है, वो हम सब समझते हैं। और वो हमें जिस स्तर पे हम काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, ये लोगों को बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि ये बुलडोजर किसके घर में चल रहा है। क्योंकि हम लोग भी काम करते, तो हम काम के दौरान हम लोगों ने इतना देखा कि मेरा काम स्कूल कॉलेज में भी है, समुदायों बस्तियों में भी है, तो हम देखते हैं कि स्कूल के टीचर्स भी लगाए होते हैं स्टेटस उनका इस तरीके से लगता है। देखिए आप कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, आप देखिए एक उन्होंने वीडियो लगाई और उसमें जो है एक मौलाना जो है राष्ट्रगान पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा देखिए मोदी जी ने ये किया है, ये मौलवी मौलानाओं को भी राष्ट्रगान सिखा दिया है। तो भैया आपने नहीं सिखाया है, ये तो आप जबरदस्ती हमसे करवा रहे हैं, घर घर झंडा लगवा कर आपने क्या किया है। झंडा तो हम पहले भी लगाते थे घर में, तो झंडा लगाने से क्या हम देशभक्त हो जाएंगे, हमें प्रमाण देने की जरूरत क्या है देशभक्ति का, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए मतलब हम मुसलमान हैं तो हमें झंडा लगाने की जरूरत है, हमें वंदे मातरम कहने की जरूरत है, हमें दिखाने की जरूरत है कि हम मुसलमान हैं, फिर भी हम देश से प्यार करते हैं। हम तो देश से प्यार करते ही हैं, हम देश में रहने वाले लोगों से प्यार करते हैं, जिनके हक और न्याय के लिए हम लड़। नफरत तो आपके उसमें एजेंडा में है,
किस तरीके से कि आपको आपको बदला लेना है, हम तो बदला की भावना ही नहीं है, हम तो न्याय मांगते हैं कि हमको न्याय चाहिए। तो बहुत सारी चीजें सुनी है, बहुत सारी चीजें देखी है हम लोगों ने, और बहुत सारी चीजें से हम लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। किस तरीके से इतने सारे कानून लेके आए हैं, किस तरीके से हम जानते हैं बहुत सारे कानून धर्म जाति को लेकर टारगेट करने वाला कानून है, किस तरीके से महिलाओं के जो थोड़ा बहुत उनको राहत मिलने वाला कानून था उसको कैसे इन्होंने कमजोर किया है। तो ये इनकी सोच, इनकी रणनीति तब तरह से हम लोग बिल्कुल वाकिफ हो चुके हैं। तो अच्छी मतलब कुछ अच्छी खबर आए इसके लिए तो कान अब हम लोग के तरसते हैं कि कुछ अच्छी खबर आएगी, पर ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि 20 साल का स्ट्रगल आप पल भर में उसे जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाते मनाते हमने उनको बरी कर दिया। तो जिस तरीके से खैरून बाजी भी कह रही थी कि इन्होंने जो है महिला के सम्मान की बात करते हैं, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? आए दिन देखिए आप गैंग रेप, रेप के महिला कितने सारे आंकड़े अगर उठा के देखिए तो कितनी महिला हिंसा के केसेस कितने सारे बढ़े हैं, कितने सारे केसेस सामने आ रहे हैं, पर इनको लगता है कि नहीं महिलाओं के साथ कुछ तो हो ही नहीं रहा। पर वही महिलाएं जब निकल के आती हैं तो वही ये जो है वो पैर काटना शुरू करते हैं कि नहीं आप घर के दहलीज के बाहर कैसे निकली हैं, आप तो अंदर जाइए। और खासकर अगर आप एक एक तबके से आती हैं, आप मुस्लिम घर से आती हैं, आप दलित घर से आती हैं, तो और आप जाइए। तो यही है कि और शब्द ही नहीं मिल रहे कि और हम क्या कहें। तो शिक्षा करते अपनी बातों को। शुक्रिया रुबीना। साथियों आज हमारे जो 5 वक्ता हैं उनने काफी बहुत सारी बातें रखी हैं। ये एक बात है कि बिल्किस का क्या स्ट्रगल रहा है और सब जगह यही कहा जा रहा है दैट यू नो इट इज अ ब्लो टू यू नो ऑल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। एक ऑन वन हैंड इट इज ट्रू, बट आई थिंक जो गुनीत ने बात रखी थी वो बहुत अहम है कि ये मानना जरूरी है कि इट इज अ मुस्लिम वुमन। ये जो अदरिंग ऑफ मुस्लिम्स होता रहा है और आई स्टैंड करेक्टेड कि ये कोई पोलराइजेशन का अटेम्प्ट कहीं नहीं रहता है, और शायद गुजरात का जो 2002 का जो कार्नेज भी था वो भी कोई पोलराइजेशन का अटेम्प्ट नहीं था, बिकॉज इट इज लाइक अदरिंग एंड विच इज पोलिटिकली वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू नो हैपन्स वेन यू नो ग्रुप्स आर पोलराइज्ड ऑन वन इशू। एक वो बात रहा है जो सभी का ने रहा है कि हमारे दिल में एकदम आउटरीच भरा हुआ है और उसको सच्ची में हम खो नहीं सकते हैं क्योंकि उसके अलावा हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे लास्ट वक्ता नूर को। नूर आयुदय, नूर कलकत्ता से हैं, वो भी एक एक्टिविस्ट हैं और एक लॉ स्टूडेंट हैं। एंड नूर नाउ यू कैन टेक द स्टेज। थैंक यू। इज ऑडिबल? हाँ आपकी आवाज आ रही है। यस यू आर। थैंक यू सो मच अनुराधा फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू। But actually I don't need any introduction. मुझे किसी introduction की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो लोगों की पहचान उनके लिबास से करते हैं। So it does not matter कि हम क्या पढ़ते हैं, मतलब as a Muslim woman. Noor, your voice is a little unclear. Is it okay now? Yeah, it is better now. Yeah. Please continue. So, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो हमारी पहचान हमारे लिबास से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमने कितनी इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मुस्लिम उलमाओं का कितना स्ट्रगल रहा है, मुस्लिम फीमेल का कितना स्ट्रगल रहा है, चाहे अल्लामा फजलिया खैराबादी हो, चाहे अशफाक उल्ला खान हो, चाहे हम जो रोज़ कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को लेकर एज अ लॉ स्टूडेंट हम संविधान पढ़ते हैं और हिंदुस्तान के कानून को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ कर लें, ये सारी चीज़ें मायने नहीं देती। क्या मायने देता है? मेरा नाम और मेरी पहचान मायने देती है। और आज जो हेट क्राइम्स हैं हमारे अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं बस इस तक ही सीमित हैं कि हम मुसलमान हैं और हमने
अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है एज अ मुस्लिम, और यही शायद हमारा आप कह सकते हैं दोष है उनकी नज़र में, और इसीलिए हमें वो टारगेट करें। आप देखें कि जो मुस्लिम औरतों को टारगेट किया गया है, चाहे वो 2002 गुजरात प्रोग्राम हो, चाहे वो कठुआ रेप केस हो, चाहे वो कश्मीर मास रेप हो, कश्मीरी औरतों का मास रेप हो, चाहे आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये बोला गया था कि अब कश्मीरी औरतें यानी मुस्लिम कश्मीरी औरतें जो हैं वो उनको कैसे उनसे कैसे लाइक रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकेंगे, और बहुत बेहुदा तरीके की बातें की गई किसके खिलाफ, मुस्लिम औरतों के खिलाफ। और ये मुस्लिम औरतों के खिलाफ जो बातें की जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक तो मुस्लिम औरतों पर है, बट वो इनडायरेक्ट अटैक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर है। सावरकर अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मुसलमान औरतों का बलात्कार करना, रेप करना, उसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आप पूरी कम्युनिटी को डिफेम कर सकते हैं। आप देखें कि बिल्कीज बानो केस में कुछ जो कन्विक्ट्स हैं वो उनके कई साल तक पड़ोसी भी रह चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ हफ्तों पहले उनके घर पर चाय पी, कुछ ऐसे हैं जिस दिन बिल्कीज के साथ ये सारी चीज़ें हुई, बिल्कीज के हाथों में जो चूड़ियाँ थी वो उनके दुकान की थी, और उसमें से एक ने बिल्कीज की 3 साल की बेटी को, आप समझ सकते हैं ये इमोशन कैसा है, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि एक माँ का रिलेशन अपने बच्चे के साथ बहुत अलग होता है। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी खरोच आ जाती है तो एज अ वुमेन एज अ मदर आई डोंट नो व्हाट शी फील्स कि ये कैसे हो गया, बट उसकी 3 साल की बच्ची को उसके सामने से उठाकर पत्थर पर उसके सर को मार दिया गया और वो मर गई उसकी आंखों के सामने, उसकी बहने उसकी माँ का रेप किया गया और वो भी उनकी आंखों के सामने मर गई। आप सोचे कि एक जख्म होता है, अगर मेरे हाथ पे कोई चोट लग जाए ना तो ये कुछ टाइम बाद भर जाएगी, लेकिन मुसलमान के जख्मों को हमेशा इस सिस्टम ने, इस सड़े हुए समाज के लोगों ने हमेशा कुरेदते रहे, उस जख्म को कभी भरने नहीं दिया। मतलब अपने परिवार को खोना एक दंगे में, आप जिस सिचुएशन में प्रेग्नेंट है, आप 5 महीने की प्रेग्नेंट है और आप उस रेपिस्ट को बोल रही है कि चचा आई एम 5 मंथ प्रेग्नेंट, मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन ये भी उन संस्कारी ब्राह्मण को असर नहीं करता है जो कि बहुत संस्कारी है। और उसके बाद ये जो लड़ाई थी बिल्कीज की, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें फौरन इंसाफ मिल गया। जैसे और भी स्पीकर्स ने डिस्कस किया, बिल्कीज का केस जब तक गुजरात में रहा करीब उन्हें 20 बार अपना घर बदलने की ज़रूरत पड़ी। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उन्हें पता नहीं कितने आने वाले और कितने साल लगेंगे, या वो अब इस ज़िंदगी में वो नॉर्मल लाइफ जी भी पाएंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन उस दौरान जब उनका ये स्ट्रगल गुजरात में चल रहा था तो उन्हें इतने थ्रेट्स मिले सिर्फ इस केस के लिए कि उन्हें 20 बार अपना घर बदलना पड़ा और बाद में ये केस कहीं और शिफ्ट हो गया। 2008 में कन्विक्ट्स को जेल हुई, और आप देखें कि हिंदुस्तान की आज़ादी वाले दिन किस तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ फूलों के साथ, एंड लिटरली फीमेल्स वर देयर, मतलब औरतें उनका स्वागत कर रही थी, यानी पैट्रियार्की से भी बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है इनकी इनके रूट्स में है इस्लामोफोबिया। इन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक विक्टिम्स जो हैं, जब तक जो जिनको परेशान किया जा रहा है वो मुसलमान है। आप देखिए कठुआ रेप केस में रेपिस्ट के समर्थन में रैलियां निकली, और जो रेप विक्टिम थी वो सिर्फ एक 8 साल की बच्ची थी। आप देखें कि किस तरीके से सल्ली डील और बल्लीबाई में जो लोग एक्यूज थे उन्हें ये बोलकर छोड़ दिया गया कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं। आप देखिए कि धर्म सांसद के नाम पर हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। आप देखें कि बजरंग मुनि जो ओपनली मुसलमान औरतों के खिलाफ बयान देते हैं, और उसका असर भी समाज पर दिखता है, हर क्षेत्र में दिखता है, हर डिस्ट्रिक्ट में दिखता है,
और ग्राउंड लेवल पर भी दिखता है कि मुसलमान को किस नज़र से देखा जा रहा है। आप कर्नाटका हिजाब केस देख लें कि कैसे एक धर्म सांसद होती है दिसंबर में, जहां पर इस मुद्दे को उठाया जाता है और उसके जस्ट बाद 50 से 100 लड़के भगवा शॉल लेकर स्कूल कैंपस के बाहर एक हिजाब में मुसलमान लड़की, जिसको वो शायद जानते भी नहीं थे कि वो कौन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था, वो मुसलमान थी, उसने अपनी आइडेंटिटी को ओढ़ा हुआ था, उस झुंड ने उस लड़की को परेशान किया, इस हद तक परेशान किया कि उसका जो एक्रेशन था, उसकी जो एक जो उसका डर था, वो सब कुछ एक रेसिस्टेंस में बदल कर उसके जुबान से निकला अल्लाह अकबर। और इसको किस तरीके से मीडिया में पोर्ट्रे किया गया। उसके बाद आप देखें कि जो भी वीडियोस वायरल होती हैं आजकल सोशल मीडिया पर, वहाँ पर एक चीज़ बहुत बात होती है, घर वापसी की बात, जहाँ पर मुसलमान औरतों से शादी करके उनकी घर वापसी करने की बात की जाती है और इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि आपको इसके बदले में पैसा दिया जाएगा, आपको इसके बदले में वो दिया जाएगा कि आप मुसलमान औरतों को टारगेट करें। पहला तो आपका जो टारगेट था वो रेप के थ्रू था, अभी आप देखें कि यूपी में कुछ दिन पहले, मतलब एक तरफ आप देखें कि हिंदुस्तान की आज़ादी वाले मौके पर 11 ऐसे आरोपी जो हैं जेल से बाहर आते हैं जिन्होंने एक औरत को असॉल्ट किया, एक मुस्लिम औरत को असॉल्ट किया, एक प्रेग्नेंट मुस्लिम औरत को असॉल्ट किया, जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने राइट्स किए, जिन्होंने सिर्फ ये सारा सब कुछ किया सिर्फ इसलिए अपने हिंदू प्राइड को, हिंदू गौरव को बचाने के लिए। आप देखें कि उसके कुछ दिन बाद ही सानिया और शिफा, दो लड़कियां जो हैं ये यूपी के एक गांव से खेलती हुई, इनके साथ भी दुष्कर्म करने की बात सामने आई। ये जो पूरा पैटर्न है ये किस तरीके से डेलिबरेट हो रहा है और क्या मैसेज जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को जा रहा है। पहले तो हमारी एजुकेशन पर सवाल, पहले आज आप कर्नाटका में देखें कि हिजाब पहनकर लड़कियां जो स्ट्रगल कर रही थी उनके बारे में कोई बात नहीं होती, लेकिन वहीं पर गणेश उत्सव मनाने की आज़ादी मिल जाती है स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेज में और इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन हिजाब के लिए हमें सेग्रीगेट किया जाता है, हमें स्कूल कैंपसेस और कॉलेज कैंपसेस के अंदर नहीं जाने दिया जाता। आप देखें कि मुसलमान औरतों को किस तरीके से हर फील्ड में टारगेट किया गया। आप एक्टिविज्म की फील्ड में देख लें, जब बात होती है जामिया और एएमयू की तो वहाँ पर बुलेट से फायरिंग की जाती है, लेकिन जब बात होती है किसी और कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस की तो वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ वो बर्ताव नहीं होता जो जामिया और अलीगढ़ के बच्चों के साथ। आप देखिए कि किस तरीके से एक जो रेसिस्टेंस का मूवमेंट था, जो मुसलमान औरतों का मूवमेंट था, वहाँ पर कंटिन्यूस जो है वो डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ किए गए शाहीन बाग की औरतों के लिए, चाहे वो 80 साल की दादी रही हो, चाहे वो 18 साल की एक एक्टिविस्ट रही हो, चाहे वो यंग एज की कोई बच्ची रही हो, हमेशा उनके खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ किए गए हैं और बार बार किए गए। आप देखें कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर मुसलमान औरतें जो अपनी कम्युनिटी के लिए बात करती हैं उनको टारगेट करने के लिए एक साल से भी कम के अंदर 2 बार ऑक्शन किया गया, एक सली डी और एक बल्ली बाई के नाम से 2 ऐप बनाए गए और इनके जो इनको बनाने वालों को कोर्ट ने ये कहकर बेल दे दी कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं। बजरंग मुनि की कोई गलती नहीं थी, बिल्किस बानो के केस में आज इतने साल बाद उनको इसलिए रिहाई मिली क्योंकि वो संस्कारी ब्राह्मण है। तो आप किसी भी एंगल से देख लें, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, वो सरकारी ब्राह्मण हैं, संस्कारी ब्राह्मण हैं और उनकी कोई गलती नहीं है। हर सूरत में मुसलमान का जो स्ट्रगल है, मुसलमान औरतों का जो स्ट्रगल है, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो, उस स्ट्रगल के बीच में मीडिया जो काम करता है उनके जख्मों को कुरेदने का काम, हमारे जख्मों को बार 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 ये सिस्टम, ये एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा कुरेदता रहता है। और आज मैं बता नहीं सकती कि पता नहीं कि बिल्किस आप इस वक्त कैसा महसूस कर रही होंगी, उनके लिए ये सारी चीज़ें कैसी होंगी कि आज वो जब देख रही होंगी कि कुछ वक्त मिला उन्हें अपनी ज़िंदगी कैसा, जहाँ से शायद वो थोड़ा सा रीस्टार्ट करने की कोशिश कर पाती तो आज वो लोग वापस जेल से बाहर हैं। आप समझ सकते हैं मुसलमान औरतों के लिए ये कैसा मैसेज है कि आपके स्कूल्स पर भी पहरा है, आप अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो एक खुली चुनौती मिल गई है
कि आप सेफ नहीं है, और प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हिंदुस्तान की आज़ादी वाले दिन प्रधानमंत्री एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाषण दे रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमान औरतों की हालत। आप यूपी में देखें कि हमारे जख्मों अभी इससे पहले जो बात करी थी, आई जस्ट वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग इन दिस कि यूपी में जो एक बुलडोजर पॉलिटिक्स है, यहाँ तक कि किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है जो बुलडोजर है और जो बुलडोजर बाबा है उनको हीरो की तरह, कि इवन जो कुरकुरे और चिप्स के पैकेट्स मिलते हैं उसका भी नाम रख दिया गया है बुलडोजर बाबा, और इस तरीके से एक लोग एक चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है। अब देखिए जो होलाकास्ट हुआ था वो गैस चैम्बर से नहीं हुआ था कि अचानक एक कम्युनिटी को, अचानक एक समूह को जो है वो गैस चैम्बर में पहुंचा दिया गया, वो हरगिज नहीं। इट ऑल स्टार्टेड विथ हेट स्पीच, इट ऑल स्टार्टेड विथ डिह्यूमनाइजिंग पीपल अ कम्युनिटी। मतलब एक समूह को आपने पहले तो डिह्यूमनाइज किया, आपने ये बताया कि वो आपसे अलग है, फिर उनके खिलाफ आपने कंटिन्यूस जो है वो हेट स्पीच प्रमोट की, आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक एक हेट स्पीच को प्रमोट किया, और उसके बाद होलाकास्ट और जेनोसाइड हुआ। लेकिन आप आज इंडिया में देख लें कि मुसलमान औरतें जो हैं वो किस सिचुएशन पर हैं, कि उन्हें जैसा कि बिल्किस आपा ने इस चीज़ को कोट किया है कि उनका जो यकीन है जस्टिस में वो पूरा हिल के रह गया है, कि कुछ पल के लिए उन्हें शायद लगा था कि मुझे शायद इंसाफ मिल गया। 5,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, ऑफिशियल डेटा में करीब 100 के आसपास औरतों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, औरतों के साथ वो सारी चीज़ें हुई सिर्फ और सिर्फ हिंदू प्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कुछ ही लोग अरेस्ट हुए, यानी कि इन्होंने पूरे एक स्टेट का माहौल खराब कर दिया। उसमें सिर्फ कुछ लोग अरेस्ट होते हैं, अराउंड 70 के आसपास लोगों को सस्पेक्ट किया जाता है, और 32 और 31 के आसपास जो है वो कन्विक्स पाए जाते हैं, उसमें से भी ये 11 रिलीज हो गए। तो हम उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिन्होंने अपनी फैमिलीज के 5,000 लोगों। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में बस मेरी पहचान नहीं रह गई है, मुसलमान औरत हूँ, मुसलमान लड़की हूँ, और शायद किसी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो असॉल्ट हो रोकने के लिए हो या फिर मेरा कुछ कहना, शायद इतना मैटर ही नहीं करता है। क्योंकि जो एक मेजॉरिटी तबका है, जो एक मेजॉरिटी है हमारे देश में इस समाज में, वो ये सारी चीज़ें सुनना ही नहीं चाहती। जब तक ये सारी चीज़ें मुसलमान से रिलेटेड है शायद ये उस चीज़ को सुनना भी नहीं चाहते और वो उस चीज़ को सिंपली इग्नोर करते। थैंक यू सो मच। थैंक यू नूर। हम लोग आज का मतलब बहुत ही गंभीर मुद्दा रहा है बात करने का, लेकिन जैसे चैट में बात हो रही है एक्चुअली इंडिया में काफी जगह प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं और काफी घुटों से सॉलिडारिटी स्टेटमेंट्स निकल रहे हैं, पर आज कुछ बहुत अहम मुद्दे निकल के आए हैं। पहला है कि ये जो कॉम्प्लिसिटी ऑफ स्टेट इन सच वायलेंस, उससे ना अब हम शॉक्ड होना चाहिए हमें, और मतलब उसी को अब मान लेना चाहिए कि दिस इज व्हाट इट इज अंडर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। सेकंड, जो एक क्वेश्चन है रिलीजन का, एक कम्युनिटी आइडेंटिटी का, उसको अब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना ये, मेरा मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट स्पेसेस में आइडेंटिटी और कम्युनिटी को लेके कभी बात नहीं हुई है, पर एक जो स्पेशली लेफ्ट मूवमेंट का रहा है कि दिस डिसएंगेजमेंट विद द क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, इट इज नॉट हेल्पफुल एनी मोर, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है वो एक रिलीजन के वजह से ही बन रहा है। तो सिंपली बोल देना कि हम रिलीजन के साथ इंगेज नहीं करते हैं या एक डिफेंसिव वे से इसके साथ इंगेज करने में, इट हैज नॉट हेल्प अस ग्रो द मूवमेंट, बिकॉज हाँ हम लोग एक बबल में ही बात कर रहे हैं, और वो इस तरीके का बबल नहीं है कि हमारा किसी के, हम लोग का ग्रास रूट मूवमेंट्स के साथ लाइक ग्रास रूट लेवल पे हम कोई काम नहीं करते हैं या हमें सच्चाई नहीं पता है और हम अपनी चेयर पे बैठ के बात किए जा रहे हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। लेकिन हमारे बीच में ही बात हो रही है,
ये जो there are like you know 80% of the population is following like you know jo ye violence ho raha hai jo the people who are electing these people are you know are doing that because of like this manic religion and ye jo ek brahman like I don't know how to say it in hindi brahmanical patriarchy hindutva it is all coming out of one singular religious identity and so jab hum organize ki baat reorganizing ourselves has to also take into this kind of question because jab hum survivors ko center kar rahe hain so then it becomes a performance for them they have to perform their trauma over and over again and so we have to think of ways of centering the survivors of such violence without having them perform the same trauma repeat about the violence that they have gone through again and again for us to empathize understand and reorganize secondly mujhe ek aur jo लग रहा है आई डोंट नो इफ देयर इज एनी पॉलिटिकल थिंकर एकेडमिक राइटिंग अबाउट इट और स्पीकिंग अबाउट इट पर आई है ये मतलब जब कश्मीर का एब्रोगेशन हुआ तब यूएन स्पेशल रैपिटर फॉर ह्यूमन राइट्स उनने इतने सारे ट्वीट्स किए स्टेटमेंट्स निकाले बट द इंडियन गवर्नमेंट सिंपली डिड नॉट रिस्पॉन्ड जो इंडिया में उसके बाद ये दिल्ली राइट्स हुए देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन but the government could choose not to respond to anything that globally like any kind of condemnation that was coming from any global agency across continent across country solidarity both the government ka jo ek I don't know how to say you know like how today I am just not articulate unka ek modus operandi yahi hai that you know they will simply pretend that nothing's wrong and they are doing nothing wrong because actually they believe in that and so bahar se jo koi bolta rehta hai condemn karta rahe aap chitthi likhte raho wo bhi us chitthi ka jawab deta rahe but somehow you can't get into a dialogue with this government so when it comes to the question of state accountability one of the questions mere dimag mein jo hai wo ye hai ki jis state ne aapko ekdam nakar diya hai daba diya hai jo complicit hai ye sare violence mein aap usi ko kaise accountable uphold karenge As movement, you know, like, you know, यहाँ पे आज इतने लोग हैं 30 लोग हैं 40 लोग हैं ये सिर्फ एक दिन का मुद्दा तो नहीं है ये चर्चाएं आगे भी होती रहेंगी लेकिन द क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो दैट यू नो आप उसी इंसान को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं जिससे जिसके साथ आपका कुछ एक रिलेशन हो ये तो एकदम काट के रख दिया है लाइक यू नो इट्स नॉट दैट एनडीए गवर्नमेंट वॉज एनीथिंग बेटर Yeah, sorry, UPA was anything better. We know that AAP also in Delhi is soft right. These are all diverse forms of right. And I don't think we should delude ourselves into thinking anything else. But मुझे बस ये लगता है that पहले ये था कि आप किसी MP से कुछ हो रहा है तो you know you can ask for an appointment. आप जाके अपनी अर्जी दे सकते हैं वो सुने ना सुने लेकिन वो एक performance था इस गवर्नमेंट ने वो परफॉर्मेंस तक बंद कर दिया है सॉरी मैं अपने दिन में बात की जा रही थी मैंने देखा है कि गुनीत ने हाथ उठाया है एंड देयर समबडी कॉल बाबा साहेब सो गुनीत आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो फर्स्ट एंड देन बाबा साहेब आप बात कर सकते हैं अनुराधा मैं बस आपकी बात को रिस्पॉन्ड करना चाहती थी कि वाइल हमें ये लगता है कि फर्क नहीं पड़ता है एंड बहुत धीरे होता है इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन एंड आई नो कि उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है कि हम उन देशों की सपोर्ट ले रहे हैं या उन देशों के दरवाजे खड़का रहे हैं जो खुद ही कॉम्प्लिसिट हैं बहुत सारे ऐसे क्राइम्स में पर ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि कैसे यूसुफ के खिलाफ जो यूएस की रिलीजियस फ्रीडम वो है काफी टारगेटेड पीस प्लेस किए गए थे प्रेस में उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए क्योंकि उनको फर्क पड़ रहा था कि यूसुफ क्या स्टेटमेंट्स दे रही है आप जब मैं अपनी कम्युनिटी की बात करती हूँ तो यहाँ क्या कोई एमपी नहीं सुन रहा था 30 साल
वो कनाडा में जाके पार्लियामेंट्स में पास हो रहा था कि ये जेनोसाइड है। तो आज इंडिया में भी फिर कुछ लोग धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिए हैं कि 84 एक जेनोसाइड था। आज 30-35 साल किसी ने नहीं बोला कि वो जेनोसाइड था या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था, वो वहीं जाके हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत एक खुला दरवाजा है या बहुत यू नो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है अकाउंटेबिलिटी की, बट आई थिंक कि वो उस प्रोसेस को भी स्ट्रेंथन करना जरूरी है, क्योंकि उनको फर्क पड़ता है उससे। और उन देशों को भी समझाने जो स्टेट अकाउंटेबिलिटी की बात है, आई थिंक इसमें हम बहुत कॉम्प्लिसिट हैं एज अ मूवमेंट्स या एज इवन पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स, कि हमने एक इमेज बनाया है अपने देश का कि यू नो ग्रेट डेमोक्रेसी, और हमने सच छुपाए हैं। तो मैं अभी यूरोप से अपना PhD कर रही हूँ, तो लोगों को बहुत शौक लगता है यहाँ पे कि एकदम से कैसे हो गया, ये क्या हो गया। और फिर मुझे समझाना पड़ता है कि ये एकदम से नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये स्ट्रक्चरली एक प्रॉब्लम है। तो आई थिंक हमें अब बहुत ओपनली वो सच शेयर करना पड़ेगा, हमें खुद को एटलीस्ट रियलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि स्ट्रक्चरली क्या इशू है, और फिर उसको एक ओपनली इन देशों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि उनको भी सही तरीके से समझ आए। बिकॉज आई डोंट थिंक कि एक रियलिटी जो है इंडिया की, उसको हमेशा एक लिबरल डेमोक्रेसी देखा गया है, स्पेशली कंसिडरिंग अ लोकेशन नेक्स्ट टू चाइना, जियोपॉलिटिक्स होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में, वो मैं समझती हूँ, पर उसमें बहुत बड़ा एक मिस इन्फॉर्मेशन भी है इंडिया के बारे में, जो आप मुझे सिनिकल कहें बट वायलेंस 2014 में नहीं शुरू हुआ था, ना ही 2002 में शुरू हुआ था, वायलेंस बहुत पहले शुरू हो गया था अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो आई थिंक के उस इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी यूज इट, इट इज हम बहुत उम्मीद ना रखें उन मैकेनिज्म से, बट वी नीड टू कीप पुशिंग देयर, वट एवर विंडो इज देयर हमें वो यूज करनी है, चाहे वो OECD मैकेनिज्म्स हैं, चाहे वो यू नो अगर इसका अगर ANI में थॉमसन रॉयटर्स का इन्वेस्टमेंट है कनाडा में, तो OECD मैकेनिज्म में जाएं कनाडा में, चाहे वो ये सैंक्शन रेजीम्स है शायद वो ना करे, पर हमें नहीं पता कब किस सरकार को वो कुछ लग जाए या कब उनको डर लग जाए कि उनके यहाँ रेफ्यूजी क्राइसिस होने वाला है, तो उनका भी अपना इंटरेस्ट हो सकता है। बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उन डोर्स को क्लोज ना करें और उनमें उम्मीद ना छोड़े, थोड़ा सा उम्मीद उनको ट्राई करना बहुत जरूरी है, जहां भी है वो ट्राई करना जरूरी है, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ। शुक्रिया गुनीत, नहीं आई कम्प्लीटली अग्री। मेरा मतलब जो आउटरेज था वो यही लेके था कि इतने लोगों ने इतना कुछ कहा, पर या दे हैव शायद कुछ सालों में ये बात किसी और तरीके से बाहर आए, लेकिन जब इतना वायलेंस होता रहता है और आप थोड़ा उम्मीद लगा के बैठ जाते हो तो दिल को ठेस बहुत पहुंचती है। एंड आई अग्री कि 2002 1992 और इवन 84 और 83 वाज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ वायलेंस। ये जो देश बना है हमारा, पोस्ट कॉलोनियल नेशन बना है, इट इज लाइक यू नो द जेनेसिस हैज बीन वायलेंस एंड इवन बिफोर दैट देयर हैज बीन वायलेंस। एक्चुअली 2002 के इस इंसिडेंट के बाद विमेंस ग्रुप हैड कम टुगेदर एंड आई थिंक काफी नेशनल मीटिंग्स एक्चुअली हुई थी, और वहां पे भी जो स्ट्रेटजीज निकल के आई थी, एक तो तब था बिकॉज यू नो कि गुजरात में काम करते रहे, दूसरा एक था कि जो विमेंस मूवमेंट में एटलीस्ट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेंस मूवमेंट, उसको री इनिशिएट करने की बात हुई थी, एंड आई थिंक 2006 में एक मीटिंग हुआ भी था। And tab actually there was an international initiative for justice because feminists across borders, they had gotten in touch and they were like, you know, as women in conflict areas you know from minority communities, they have to get together and they have to you know give solidarity to each other across borders. So I am not sure, this is all dated information that I've read because Saheli ka kafi kaam raha hai isme, to abhi uska kya hai and you know what kind of mechanisms we can use and how we can strengthen the movement spaces, I think wo aage hum charcha kar sakte hain. To Baba Sahib hain and after that Kishore and then Rida.
जी सबको जिंदाबाद। शुरू से मैंने आप सब लोगों की बात सुनी। मैं राष्ट्र सेवादल संगठन से जुड़ा हूं और एनएपीएम से भी जुड़ा हूं। शुरू से मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में रहता हूं। आप सबों की बात मैंने सुना और ये दो तीन दिन से जो चल रहा था बिल्किस दीदी का, उससे मैं बहुत परेशान हूं और न जाने एक डर सा भी, मैं कार्यकर्ता होते हुए भी मुझे एक डर है, क्योंकि ये गुजरात से शुरू हुआ फाइलेंस, मनुवाद का फाइलेंस आज उत्तर भारत होते होते हुए ये बंगाल तक आ गया है और ये ऐसे ही पूरे देश भर में अगर इस तरह से कर्नाटका के पास में आ गया, मेरे यहाँ से वो नजदीक है, तो इस तरह ये वायलेंस बढ़ता जा रहा है और फिर आगे चलकर आज के इस दौर में जो लड़कियां, मुसलमान लड़कियां एजुकेशन लेकर कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि घर वाले ये सोच रहे हैं कि इस तरह का अगर माहौल हो रहा है तो लड़कियों को घर से बाहर ना भेजे और फिर उनको पढ़ाई के इसमें ना भेजे, इस तरह का एक बहुत बड़ा जो साइड इफेक्ट हो रहा है ये मैं देख रहा हूं। इससे भी मुझे बहुत बड़ी मुझे एक टेंशन भी हो रही है। मेरी खुद की बेटी भी पुणे में पढ़ रही है, वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से ये जो माहौल है, एक तरफ उनके पूरे सामाजिक और उनकी एजुकेशनल सिस्टम से उनको बाहर रखना और जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार करना एक जो है, और दूसरी तरफ आज बहुत सारे मेरे जो भाई है, वो बहुत सारे मुसलमान भाई आज वो खाली एक अल्लाह के ऊपर बात छोड़ रहे हैं, जो भी है अल्लाह उससे ये निकालेगा, हल निकालेगा, अल्लाह वो सब ये करेगा, अल्लाह वो करेगा, लेकिन खाली इतना कहने से ये सब नहीं होता। वो खुद डर कर वो रहा है, कुछ जो है वो दिल के अंदर इसके खिलाफ में वायलेंस के उसके ऊपर सोच रहे हैं कुछ युवा। ये सब पूरा देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये सब हम लोगों को कुछ इसके बारे में सोचकर कुछ नेशनल लेवल पर हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं क्या, और इसको किस तरह से, किस ढंग से हम लोग डेवलप करें औरतों के साथ साथ, मुस्लिम औरतों के साथ साथ और युवाओं के साथ, ये जरूरी है। ये आज जिस तरह से धर्म के नाम पर जो हम लोगों का शोषण, मुसलमानों का शोषण, किस तरह से, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस देश में मुसलमानों को रहने का अधिकार ही नहीं है। मतलब मुसलमान वो इंसान है कि नहीं, वो मुसलमान है मतलब क्या है, वो क्या है, वो कोई एलियन है क्या, कहीं दूसरे ग्रह से आया है क्या, वो इंसान है ना, तो फिर ये वो इंसान है, ये मुसलमान भी हो, क्रिश्चियन भी हो, कोई भी हो, ये इंसान है। ये बात को लेकर जाने की सबसे बड़ी आज जरूरत जो लग रही है मुझे, उस बारे में हम लोगों को जरा किस ढंग से हम सोचे, इस बात का भी थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे और उसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो मुझे लगता है ये करना जरूरी है। जिस तरह से आप सब लोगों ने अपनी बात रखी है, वैसे मैं खुद में इतना ये हुआ था कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं ये सब इतना मैं खुद बया भी नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने ये बात रखी है। ये सब सारी चीजें हैं, तो जरा इस बात पर हम लोगों आप खुद ही जरा तय कीजिए, आप जो भी तय करेंगे उसमें मैं खुद शामिल हो जाऊंगा, ऐसा मैं आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है जी। धन्यवाद। धन्यवाद बाबा साहेब। किशोर, जस्ट अ मिनट, एक्चुअली सबिका को निकलना है, तो सबिका अगर आपको लास्ट कुछ थॉट्स शेयर करने हैं तो यू कैन शेयर। बस ये कहना था कि मतलब बहुत आउटरेज है और बहुत ज़्यादा गुस्सा और दर्द हम लोग के दिलों में है और वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम ये भी कहना चाहते थे कि जो हम लोग यहाँ पे अभी साथ में मिले हैं, शायद वो अकेला तिनका है उम्मीद का इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इस मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या ही कहेंगे, इस पूरे जुल्म सितम के माहौल में, इस पूरे ऑपरेशन के माहौल में, जब हमारी जबानों के ऊपर भी पहरेदारी कर दी गई है, कुछ भी बोलने से पहले हम लोगों को हजार बार सोचना पड़ता है, जब जिनको इंसाफ
शायद मतलब एक उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, उनको भी नाइंसाफी का बेइंसाफी का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे दोस्त लोग जो अभी भी जेल में हैं, मतलब ये पूरा कंटिन्यूस अटैक है मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि देखिए एक नया राष्ट्र बन ही नहीं सकता बिना विलेनाइज किए हुए मुसलमानों को और दलितों को, क्योंकि ये भी नैरेटिव साथ साथ बार बार आ रहा है कि ये जैन उधारी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये अपर कास्ट हैं, तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो इस माहौल में भी एक नाव चल रही है उम्मीद की, बिकॉज आप लोग सब साथ हैं और आप लोग सब कुछ भी हो फिर भी साथ मिलते हैं, फिर भी हम लोग ये बातचीत करते हैं कि फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि शायद किसी तरीके की लड़ाई जारी रहे। हम लोग के हलक सूख गए हैं बात करते करते, मगर उम्मीद भी मजदूरी होती है, उम्मीद यूं ही नहीं बरकरार रहती, और हम आप सब मिलके मजदूरी कर रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि वील कीप टेलिंग फॉर होप, वील कीप हम खेती करते रहेंगे कि उम्मीद हमारे दिलों में उजागर रहे, और सबको बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा प्यार और लड़ाई के लिए जज्बा हमें कामयाब रखना है, क्योंकि बरकरार रखना है अपने दिलों में, क्योंकि अभी लड़ाई लंबी है। और ये सारे इंस्टेंसेस हमें बस यही बात याद दिलाते हैं कि हमारी लड़ाई लंबी है। तो लाख ये आज़ादी का महीना कहलाता है, तो लाख आज़ादी हमें मिल गई है, लेकिन 75 साल गुजर गए हैं, मगर हर चौराहे के ऊपर और हर गली में अभी भी एक नई जंग चल रही है आज़ादी की, और जिसे हमें बरकरार रखना है। तो आप सबका शुक्रिया उम्मीद बनाए रखने के लिए, और जिंदाबाद सभी का, और बहुत बहुत प्यार आप किशोर, यू कैन स्पीक। ओके, आई हैव वेरी शॉर्ट पॉइंट्स टू मेक। तो एक तो था कि जो हिस्ट्री की बात चल रही थी कि 2014 से पहले चालू हुआ है, मैं तो कहूँगा कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी ही एक का प्रयास एक जनरलाइज्ड रेप के दृष्टि से हम देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज हिस्ट्री ऑफ जनरलाइज्ड रेप, तो ये ह्यूमैनिटी का ही प्रॉब्लम है, और ये एक इंस्टेंस से हमको पता चलता है, ये दर्शाता है। तो मुझे क्या लग रहा था कि मूवमेंट के साथ काम करते करते हुए और मूवमेंट को स्टडी करते हुए मेरे निर्देश में जो आया, तो एक तो है कि हम एजुकेशन की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, और ये आज ये टॉक शुरू होने से पहले एक बात रखी गई कि हमारे फ्यूचर प्लान्स कैसे होंगे और मूवमेंट की सॉलिडारिटी में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसको इसके बारे में सोचते हुए आई थॉट कि वी नीड टू अप्रोच एजुकेशन ऑन अ डिफरेंट टेरेन, एंड मूवमेंट ने इसमें ज़्यादा भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। एंड बाय एजुकेशन आई मीन educating imaginations and rearranging desires, because basic problem is of imaginations and desires, and sexual violence ye ek grotesque desire se judi hui hai, to usko agar hame change karna hai to movement ko humko jo resistance ki taraf hum attracted hote hain hamesha usse humko nikal ke thoda and we will have to approach movement politics on terrain of education. ye main bahut din se bol raha hu aur mere research se bhi mujhe ye dikhai diya, itna hi point mujhe bolna tha. thank you kishore. rubina, aapne kafi der se haath uthaya. okay, किसी और को कोई बात रखनी है या कुछ बोलना है, कोई रिस्पॉन्स? अनुराधा, चैट में भी लिखा था, वर्षा ने एक मैसेज डाला है, बेसिकली उन्होंने एक लिंक भेजा क्योंकि काफी सारे स्टेट्स में प्रतिरोध प्रोटेस्ट हो रहे हैं,
बिल के सपोर्ट में और इस पूरे उनके ना 11 लोगों के रिलीज के खिलाफ, तो उस लिंक में काफी मटेरियल्स भी है, पोस्टर्स और बाकी चीजें जो साथी यूज कर सकते हैं। तो वो वैसे एक 27 तारीख तो नेशनल डे ऐसा सोचा गया है, बट उसके पहले भी अलग अलग स्टेट्स में जो साथी करना चाहते प्रोटेस्ट उसके लिए भी वो मटेरियल यूज कर सकते हैं। सो रिक्वेस्ट की साथी लोग जो अपने अपने स्टेट में करना चाहते हैं, हाँ वो फिर से पोस्ट किया है तो अपना इसमें कॉपी पेस्ट कर लें। Also, Rubina ने सॉरी कुछ लिखा था, आई थिंक अभी अनम्यूट नहीं कर पा रही है। She wrote something in Hindi. Okay, I'm just scrolling. Let's see. हाँ, रुबीना ने 8:15 लिखा था, संस्कारी वाली बात सुनकर भावरी देवी का केस याद आ गया। इतने संघर्ष के बाद 2013 में कानून आया, उनके केस में भी यह मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है रुबीना, सॉरी मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मेरी आवाज ही अब मैं थोड़ा सा गुनीत जी की बात से जोड़ना चाहूंगी कि वो एकदम सही कह रही हैं, ये अभी का मसला नहीं है, पर जिस तरीके से लोगों के लोगों की जिस तरीके से बोलने की आज़ादी, जिस तरीके से लिखने की आज़ादी, जिस तरीके से बेरोजगार किया गया है लोगों को, जिस तरीके से नौकरी ले ली गई है और जिस तरीके से शिक्षा पे प्रहार किया गया है, शिक्षा में कितनी ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई है, जिस तरीके से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी है, तो लोगों का दोहरी तेहरी मार बहुत ज्यादा पड़ी है। जिस तरीके से घर पे बुलडोजर चला है, तो आप देखिए कि बहुत लोगों का तो सपना होता है घर, अब जब घर टूटता है तो लोगों के सपने टूटते हैं, सपने टूटते हैं तो लोग टूटते हैं, लोग टूटते हैं परिवार में भी सब टूटते हैं, और फिर उसके बाद जब लोग टूट जाते हैं तो वो फिर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत कमजोर भी होते हैं, ये भी एक सच्चाई है। बस इतना ही कहना चाहूंगी और लास्ट में कहना चाहूंगी कि हम लोग तो तीस्ता सलवार जी के साथ भी हैं, रकिया जाफरी जी के साथ भी हैं, बिलकीस बानो के साथ भी हैं और हर वो तमाम लोगों के साथ हैं जो जो संघर्ष कर रहे हैं न्याय पाने के लिए, अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, समता समानता के लिए लड़ रहे हैं, हम सब के साथ हैं। जिंदाबाद। जिंदाबाद रुबीना। तो ये बहुत ये अभी क्रॉस मूवमेंट सॉलिडारिटी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और हर मूवमेंट के लोगों को जुड़ना पड़ेगा और मूवमेंट के लोगों को रिलीजन के क्वेश्चन के साथ ग्रैपल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आसपास के जो लोग हैं, हम इधर आके तो ये बातें कर लेते हैं, लेकिन आसपास जो हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, हमारे कॉलोनी में जो लोग रहते हैं और जो मोदी को वोट करते हैं, जो इस हिंदू राष्ट्र में फेथ रखते हैं, हम उनसे कैसे बात करें, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है जिसको हमें किस तरीके से इसको आंसर करना पड़ेगा, किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, इसको लेके सोचना है। बिफोर आई क्लोज द डिस्कशन टूडे, मैं पूछना चाहूंगी हमारे सारे वक्ताओं से कि अगर किसी को कोई फाइनल कॉमेंट देना है, एक कोई ऑब्जर्वेशन शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। खैरुनिसा, गुनीत, सबिका तो जा चुकी है, नूर और रुबीना ने अपनी बात अभी रख दी है, अगर किसी को कोई बात और रखनी हो तो। ये सही है कि ये किसी ने अनम्यूट किया सर जी। हाँ मतलब बहुत सारी बातें हुई और ऐसे ना ये कैसा समय है ना कि एक अजीब सी घुटन है और हम मतलब एक कैसे देश में हैं और अभी कैसे जी रहे हैं, मतलब तो क्या मतलब के लाइफ ऐसे ना, मैं थोड़ा सा हॉट के मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस, आप कितने कानून की लड़ाई लड़ो और अपने आप को भी ठीक रखना है, आपको इमोशनली भी
जैसे कि आगे भी रुबीना ने कहा कि जब आपका घर टूटता है या तो सपने टूटते हैं, और सपने टूटते हैं तो इंसान को टूटता है और फिर वो बिखर जाता है और उसकी जो एक लड़ाई है वो कमजोर पड़ जाती है। ये बहुत सटीक है अपने आप में ये बात। और जैसे कि आज हम जो बिल्किस बानो के भी बात कर रहे हैं, उनके उनके साथ हैं हम लोग, बट मुझे लगता है कि अब ऐसा समय आ चुका है कि जो मुस्लिम महिलाओं का जो स्ट्रगल है, वो संघर्ष है, उसको ना मतलब पूर्ण विराम की जरूरत है। क्योंकि अब ऐसी घुटन इतनी भर चुकी है ना कि अब हम चाहते हैं कि हमें एक खुली हवा में सांस ले, एक एक जो मतलब कहते ना कि आजादी से मतलब डर के बिना जीने का जो हमारा अधिकार है वो हमें सही में महसूस होना चाहिए और हमें मिलना चाहिए। और इसके लिए और कितना संघर्ष करना पड़ेगा वो तो कर ही रहे हैं, पर अब ऐसे ना कि कभी भी हम कहते ना कि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। तो ये बहुत आने वाली पीढ़ी के लिए भी और आने वाली युवा जो पीढ़ी है और जो इसमें खास करके महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, उनकी जो सुरक्षा है, फिर से मैं कहूँगी उसको कैसे हम निश्चित करेंगे और कैसे हम अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हम एक्चुअली मतलब सही में कह दूँ ना कि हम अपने आप को बहुत ही पावरलेस महसूस कर रहे हैं। मतलब अभी जब मैं बात भी कर रही थी ना तो मेरे पैर कांप रहे हैं, तब से ठंडे हो गए एकदम ही बात करते करते। और ऐसे हम कोई भी हिंसा हो, हिंसा हिंसा होती है, तो एक हिंसा सहन करने के बाद आपको जब न्याय मिलता है ना तभी हम उस शांति को महसूस कर सकते हैं, उस सुकून को महसूस कर सकते हैं, और वो अब हमें चाहिए। मैं इतना ही कहूंगी। और बिल्किस बानो को ये मिलना चाहिए, और बिल्किस बानो को ये जो खुली सांस में हवा लेने की आजादी है वो हमें दिलवानी पड़ेगी कैसे भी करके। और इन जो 11 जो दोषी है वो जब तक जेल में नहीं जाएंगे मुझे लगता है तब तक हम भी अपने आप को घुटन में ही महसूस करेंगे। तो बहुत सीधा है कि जैसे कि हमने नो यानी नो होता है, यानी कि रिहाई रद्द यानी रद्द, और बिल्किस बानो को न्याय यानी न्याय, और सुकून मिलना ही चाहिए। बिल्किस बानो की एक जिंदगी है, उसने जो स्ट्रगल है उसका, वो यानी कि क्या मतलब क्या है वो एक उससे क्या नहीं सहन किया, वो मिसाल है एक्चुअली में बिल्किस बानो, जो और विक्टिम को ताकत देती है कि जिसने अपनी बच्ची, अपनी बहनों, माओ के अपने सामने मरते हुए, उनको रेप होते हुए, अपनी बेटी को मरते हुए देखा, उसके बाद भी उसने अपना संघर्ष जारी रखा, और वो आज 40 साल की हो गई है, और बाद में आज वापस उसको उस कटघरे में डर के लाके खड़ा करना, ये उसको वो कटहरे में वापस ला के रख देना, मतलब ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही घिनौना है ये जो समय जो है। मतलब मैं ना अभी ऐसे इंडिविजुअली बिल्किस बानो को, जैसे मैं खुद इंडिविजुअली कई बार अपने आप को महसूस करना चाहती हूँ कि मैं फियरलेस रहूं, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तब आपको लगता है कि मुझे तो पता है ना मैं मुसलमान हूँ, पर सामने वाले को नहीं पता, पर मुझे पता है मैं हूँ, तो वो डर मेरी पहचान हमेशा मेरे साथ होती है। तो वो डर बिना की जिंदगी मतलब सभी को चाहिए, मतलब सबको ही चाहिए, और सब को वो मिलनी ही चाहिए। अब वो हमें मतलब कैसे मिलेगी पता नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली जब मैं बिल्किस बानो का देखती हूँ तो एक 19 साल की लड़की ही कहेंगे मैं तो उसको, और आज वो 20 साल के बाद पूरी जिंदगी अगर एक इंसान की
हम कहते हैं ना कि अगर एक इंसान के साथ भी नाइंसाफी हो तो वो हजार मतलब लोगों के उससे नहीं मापी जा सकती। तो आज बिल्किस बानी का जो व्यक्तिगत संघर्ष है ना, उसको उसमें न्याय और सुकून मिलना चाहिए और AI को रद्द कैसे भी करवाना होगा। मतलब नाउम्मीदी सही में कहूं तो है और सबको है, फिर भी हमें अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा, हमें उम्मीद को जगाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जानते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो बस ऐसे ही मतलब बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे लगता है कि बिल्किस के साथ न्याय होगा और जरूर होगा, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करती हूँ। जिंदाबाद साथियों। शुक्रिया खैरुन्निसा, और आपने एकदम सही कहा कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं। वी कांट स्टॉप रेजिस्टिंग एंड वी कांट स्टॉप प्रोटेस्टिंग। प्रेमा दुर्वे ने हाथ उठाया है। प्रेमा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सभी को जिंदाबाद साथियों। मैं ज्यादा इस तरह की मीटिंगों में शामिल नहीं होती हूँ, बट अभी जैसे आप, मैं बहुत बाद में जुड़ी क्योंकि मैं कहीं बिजी थी, थोड़ा सफर कर रही थी, ज्यादा नहीं सुन पाई। लेकिन जिस तरह से बिल्किस बानो ने अपनी 40 साल से लड़ाई लड़ रही है इतने सालों से, और उसको मेरा सलाम है। बहुत हिम्मत उन्होंने दिखाई है और उनके साथ में जो भी साथी खड़े हुए उनको भी सलाम, क्योंकि आज जिस तरह से देश की स्थिति हो रही है, किसी एक समुदाय को बहुत टारगेट किया जा रहा है वहां पे, तो मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब वो तो एक डर का माहौल हो ही रहा है, लेकिन आप कहीं और संस्था में किसी और जगह में भी आप देखोगे तो वहां भी एक, जैसे कोई साथी हमारे कह रहे थे कि मोदी से किस तरह से बातचीत करना चाहिए, मुझे उससे भी पहले की चीजें याद आती है कि हमारे अपने साथी जो हिंदू भाई है उनके साथ में ही हमको काम करते हुए असुरक्षा महसूस होती, जिस तरह का उनका विचार है, जिस तरह की सोच है और जिस तरह की वो बातचीत करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो किसी एक समुदाय में बहुत ही खतरा मंडरा रहा है। और उसके लिए अगर केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हम सबको एक साथ में आना पड़ेगा और हर जगह से अगर हम साथ में उठे और एक दूसरे का साथ दें, बिल्किस बानो जी जैसे लोगों के साथ में और बाकी और लोगों के लिए भी, तो मुझे लगता है इस तरह से हमको एक शुरू करना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू प्रेमा। नहीं, आई थिंक ये जो बात बार बार सभी ने कहा है कि शायद हम बाद में मीरा या NAPM देख सकता है कि अगर हम कोई मीटिंग कर सके इस मतलब यू नो जैसे इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं उनको कैसे यूज करना, हमारे बीच में रीस्ट्रेटजाइज कैसे करना। ये बहुत सारे मूवमेंट स्पेसेस में बात हो ही रही है, स्पेशली आफ्टर NTCA प्रोटेस्ट। लेकिन एंड आई थिंक मीटिंग के इनवाइट्स इधर उधर जाते ही रहते, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज उससे जुड़ें, और बिकॉज इट्स हाई टाइम, अभी और कुछ रहा नहीं है। इसी के साथ मैं आज आई वुड लाइक टू रैप अप द डिस्कशन टुडे। It started with a lot of despondency, at least from my end, and like, you know, a lot of outrage which was shared by many people who came and who spoke here today. Noor ka main dekh rahi hoon. Yeah, actually I want to add something. जो खैरुन निसा का निलाश ने कहा उससे कि उनकी एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाज को फील किया जा सकता है और वो खुद भी उन सारी चीजों की आई विटनेस है। नूर, आपकी आवाज थोड़ा सा दब रही है, थोड़ा जोर से बोले। अभी ठीक है? यस यस। जो खैरुन निसा आपा बता रही थी, उनका जो एक
एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं हर आम मुसलमान इस चीज को महसूस करता है कि जब वो सड़कों पर बाजारों पर होता है तो उसे पता होता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है और किस चीज पर लोगों का टारगेट। तो मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो डेमोक्रेसी की एक दीवार है हिंदुस्तान की, उसके पीछे एक ऐसा इंडिया है जहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जो वो एक बड़ी सी दीवार के सामने छुप जाती हैं। तो जो दीवार के बाहर के लोग हैं और जो दीवार की इस साइड के लोग हैं जो ऑप्रेस्ड हैं, उन्हें भी अपनी शक्ति अनुसार उस दीवार को तोड़ने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और जो बाहर के लोग हैं जो ये मंजर देख रहे हैं, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस संघर्ष में उनका साथ दें, क्योंकि एक शेर है कि मायूस नहीं है दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है हमकी शाम मगर शाम ही तो है। तो ये लड़ाई वाकई बहुत लंबी है, तो कोशिश है कि दोनों तरफ से हम इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू नूर। और किसी को अपनी अगर कोई बात रख अनुराधा, are you there? I think she feels... गुनीत, आपने जो लिखा वो बस हिंदी में आप कहना चाहेंगे क्या? नहीं, बस मैं वही बात जो पहले कही थी कि एक तो शुक्रिया मीरा मुझे इनवाइट करने के लिए, ऑल्दो ये टॉपिक थोड़ा सा मेरी डेप्थ के बाहर था। मैंने एक रिसोर्स भी शेयर किया है जिसमें गुजरात और कंधमल कवर्ड है, उसके अलावा पंजाब और कश्मीर भी कवर्ड है। तो दो कॉन्फ्लिक्ट और दो मास वायलेंस के कम्युनल टारगेटेड कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स कवर्ड हैं, और वो एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। ये मेरी पहली जॉब थी एज अ रिसर्चर, पर उसमें काफ़ी लोग जुड़े थे उस प्रोजेक्ट के साथ। परफेक्ट नहीं है वो प्रोजेक्ट, पर आई थिंक उसमें एक एक शुरुआत की जा सकती है एज अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हमारी मूवमेंट स्पेसेस में। और मैं उम्मीद रखूंगी कि ये बातचीत जारी रहे कि कैसे जिन लोगों को एक टारगेटेड हिंसा के शिकार होते हैं, कम्युनल हिंसा के जो शिकार हो रहे हैं माइनॉरिटीज, जो लोग, जो कम्युनिटीज, उनका जो हक है हील होने का, उनका जो हक है एक रेमेडी का, एक जवाबदेही का, एक अपनी मेमोरी का, जो उनकी मेमोरी है, जो उनकी यादगार है, जो वो नेशन, वो स्टेट की हिस्ट्री में आनी चाहिए, वो सब चीजों का वो कैसे किया जा सकता है। अभी हम उस कॉन्वर्सेशन में बहुत पिछड़े हैं, जैसे मैंने कहा हमारे पास तो शब्द भी नहीं है, हमारे पास सिमेंटिक्स नहीं है, तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारी मूवमेंट्स में वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है और वो जारी रहे और एक इंटरसेक्शनल वे में वो चलती रहे। एंड जैसे कि मैंने बोला, चाहे वो पीपल्स मूवमेंट है, चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, चाहे वो राइट्स मूवमेंट है, या चाहे वो माइनॉरिटीज के अपनी खुद की मूवमेंट्स है, आई थिंक ये चार पांच मूवमेंट्स को अब साथ में आना पड़ेगा और इस बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। शुक्रिया। थैंक यू गुनीत। आई डोंट सी अनुराधा, सो आई विल क्विकली कंक्लूड। बहुत शुक्रिया पांचों साथियों को, सभी बहनें पंजाब से, गुनीत उत्तर प्रदेश से, जो साथी जुड़े सबिका और रुबीना, नूर जो बंगाल की साथी है, और हमारे साथ बाकी जो साथी आज जुड़े हैं इंक्लूडिंग अनुराधा ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी ऑफ द स्पीकर्स नेम्स। सभी साथियों को जिंदाबाद। बहुत सही में शब्द नहीं है, जैसे अनुराधा बार बार कह रही थी, क्योंकि इतना क्रोधित करने वाली ये और मतलब शॉक तो नहीं है, मगर क्रोध निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा है इस वक्त पर कि इस प्रकार की निर्णय, मतलब बार बार, एक बार आप कितने सारे घटनाओं को उठाकर देख ले पिछले कई सालों में, लगातार एक के बाद, मतलब देर इज इवन टाइम टू प्रोसेस कि एक को जैसे सुलीबाई बुलीबाई का कुछ हुआ, फिर कुछ और हुआ, फिर जाप का, फिर कुछ और, फिर कुछ और,
मतलब एक तरफ जो बहने या जो साथी जिन कम्युनिटीज को खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का टारगेट किया जा रहा है उनके ऊपर जो अपना मतलब हिंसा हो रही है, टारगेटेड वायलेंस हो रही है वो एक तरफ, और साथ साथ जो थोड़ा सा हम इनफैक्ट ये भी शर्मिंदा है कि जितना एक ब्रॉडर सॉलिडारिटी बिल्ड करना चाहिए इन सब अन्यायों के खिलाफ शायद उतना नहीं कर पा रहे जितना जरूरी है, मगर ये जो छोटे छोटे तरीके का सॉलिडारिटी बिल्ड करने की भी कोशिश हो रही है, मैं ये भी कई बार देखती हूँ कि हमारा बाकी का भी एक जो एक प्रकार का एक चुनौती है हमारे सामने कि हम किन किन घटनाओं पर रिस्पॉन्ड करेंगे और किस किस प्रकार से करेंगे। ये वाला एक बहुत रियल सवाल भी है क्योंकि लगातार एक के बाद एक ये हो रही है। बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट जैसे आज सभी साथियों ने कहा कि इसको इस संदर्भ में देखने के लिए कि ये सभी जो पैटर्न्स है ये बहुत जुड़े हुए हैं एक प्रकार से, और मोटा मोटी वो जो पूरा हिंदू राष्ट्र का सपना जो बहुत एक प्रकार से पुराना सपना है जो आज वो साकार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड लास्ट वीक ही हम ये सो कॉल्ड अमृतकाल के संदर्भ में जब सत्र कर रहे थे उसमें साथियों ने ये भी बात रखा कि अब तो आज बाबा साहिब जी हमारे साथ है मगर वो संविधान तो एक प्रकार से वो पूरा उन्होंने डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके हिसाब से हिंदू राष्ट्र का संविधान लाने तक की बात अभी चल रही है। सो वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग एट दैट काइंड ऑफ ए क्रॉस रोड्स कि हमारा मतलब उस संविधान में जो बेसिक बातें हैं उसको बचाने से लेकर आज हर एक मोर्चे पर लड़ाई को और मजबूत करने का, और बिल्किस जैसे संघर्षशील साथी जिन्होंने मतलब सही में उनका पूरा युवापन और पूरी जिंदगी एक प्रकार से बिल्किस याकूब भाई की संघर्ष में निकल गई है, तो ऐसा और कितने घटनाएं होगी इस हिंदू राष्ट्र में ये तो हमें बहुत साफ दिख रहा है। इसलिए अगर ये इसको रोकना है तो और संगठित होना है और तीखेपन के साथ हमें हमारी लड़ाइयों में और शामिल होना है, और जैसे गुनीत और साथियों ने कहा है कि एक तरफ सरकार को चुनौती देना तो एक हिस्से की बात है मगर क्योंकि ये बात सिर्फ सरकार या एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, पूरे समाज में ये जो नफरत की राजनीति है, अदराइजेशन की बात है, ये तो पूरे समाज में एक प्रकार से फैलता जा रहा है। तो जब तक हम समाज के अंदर इनवर्ड लुकिंग वो आंदोलनों की बात हो या बाकी अन्य समाज के अन्य क्षेत्रों में इन चीज को नहीं हम मजबूती से उठाएंगे, हम सिर्फ सरकार को टक्कर शायद देकर भी इसमें बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अलग अलग स्तरों पर इस बात को उठाने की जरूरत है, और आज बिल्किस हमें वही बात याद दिला रही है कि क्या मैं एक नागरिक नहीं हूँ, अगर मैं एक मुस्लिम महिला हूँ क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ, क्या इस देश की समान नागरिक नहीं हूँ। हम शायद आज के सत्र को उसी सवाल के साथ, बिल्किस के उस सवाल के साथ हमें एंड करना पड़ेगा, और हम सबको अपने अपने मनों से लेकर अपने घरों में अपने आंदोलनों में इस सवाल को जिंदा रखना पड़ेगा क्योंकि वी ऑल ओ बिल्किस ए रेस्पॉन्स, हम जवाबदेह है बिल्किस के प्रति कि बहुत संघर्ष के बाद इतना अन्याय उसने सहा और उसके बाद जो थोड़ा सा एक प्रकार से हल्के रे ऑफ होप उनको मिला उस जजमेंट के आधार पर, वो पूरा जो पलटने की अभी परिस्थिति है, तो क्या हमारे न्यायालय उसको देखकर चुप रहेंगे, क्या हमारा बाकी सोकल सभ्य समाज उसको देखकर चुप रहेंगे, ये सवाल आज हम लेके जाए। और निश्चित रूप से जैसे साथी वर्षा और बाकी लोग यहाँ पर कई सारे साथी जुड़े थे और अलग अलग स्टेट्स में भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रही है तो इसको भी हमें जारी रखना चाहिए। तो जो साथी आज देख रहे हैं सेशन को भी और फेसबुक पर भी, कृपया अपने अपने स्टेट्स में और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें। 27 तारीख को एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का तारीख भी दिया गया है तो उसमें भी जितने आप जहां पर भी हो आप शामिल होने की कोशिश करें और इस मुद्दे को लगातार, इन सवालों को लगातार उठाएं। और जैसे बिल्कुल सबिता ने कहा है कि इट इज द लेबर ऑफ रेसिस्टेंस एंड द लेबर ऑफ होप, जितनी भी उदासीन स्थिति है मगर हमें उम्मीद की जो मजदूरी है उसको तो कायम रखना ही पड़ेगा और एक दूसरे के हाथ थाम कर आगे चलना ही होगा। दुख बहुत है, क्रोध बहुत है मगर जैसे बाबा साहेब ने कहा है कि हमें संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, और बिल्किस ने तो किया ही है, तो अब हम सबकी और बारी है कि उनके संघर्ष को अगर सही तरीके से वो संघर्ष को एक इज्जत मिले, एक ये दर्जा मिले, तो उस संघर्ष को पूरी तरीके से न्याय मिलने तक की दिशा में हमें उनके साथ देना होगा।
तो बिल्किस को, याकूब भाई को और गुजरात के जितने संघर्षशील साथी हैं जिन्होंने लड़े थे, और बाकी भी जो अलग अलग वायलेंस के संदर्भों में, वो पंजाब का एंटी सिख वायलेंस हो या अन्य संदर्भों में माइनॉरिटीज के ऊपर जो वायलेंस हुई है, उन सब संघर्षों में बहुत सारे साथियों ने जो लड़ाई लड़ी है, जो शहीद हुए हैं, उनको सलाम भी करते हुए आज भी जो बहुत सारी जगहों पर मानवाधिकार कार्यकर्ता और अफेक्टेड कम्युनिटीज जो लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, कितने कितने साल हो चुके बहुत सारे घटनाओं में, मगर आज हम देख रहे हैं कि वो पहले तो इंस्टेंसेस और इंसिडेंस होते थे, आज पूरी तरीके से समाज में एक प्रकार से द सो कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द एवरीडेनेस ऑफ वायलेंस इज व्हाट वी आर एक्चुअली विटनेसिंग राइट नाउ. सो देयर इज ओनली मोर वर्क फॉर अस टू डू गोइंग अहेड एंड मोर पीपल दैट वी ऑल नीड टू bring together in this entire process. कैसे हम और लोगों को जोड़ पाएंगे, कैसे हम लोगों के दिलों को छू पाएंगे, कैसे दिमाग में जो मतलब एक नफरत की ये बार बार इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ या माइनॉरिटीज के खिलाफ जो गलत अवधारणा डाली है उसको कैसे बदल पाएंगे, ये शायद हम सबके सामने एक चुनौती की भी बात है, सवाल की बात है. बहुत सारे सवाल है साथियों, मगर काम जारी रखना होगा और इंशाल्लाह हम आगे सब और अलग अलग मोर्चों में, संदर्भों में और मिलेंगे और अपने अपने इलाकों में भी इन बातों को और मजबूती से उठाएंगे. इसी बात के साथ जिंदाबाद, जय भीम, जोहार, एंड विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे इन कंटिन्यूइंग नेक्स्ट सेशन ऑफ युवा संपर्क.